का विषय भी एक उपासिका द्वारा उनके द्वारा याचना की गई थी कि बनते इस विषय पे भी लीजिए, है ना। तो इसलिए आज का ये विषय लिया है उपोषित कम्म। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने किस शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने उपोषित कम्म इस शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जो पाली साहित्य में हमें उपोषित, उपोषित कम्म, उपोषित दिवस, है ना, उपोषितो, इस प्रकार के शब्द देखने के लिए आते हैं। जब हम उपोषित कहते हैं तो ये कहीं कैसा है कि इसे इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं है। जब हम उपोषित धारण कर, क्योंकि उपोषित को अक्सर दिन के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया गया है पाली साहित्य में, है ना, या उपोषित के आगे में कोई शब्द इस्तेमाल किया गया है जब उसे क्रियान्वित, या जब हम उसे कर रहे होते हैं, जब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, है ना। तो जो प्रॉपर वर्ड है उपोषित कम्म, पर ऐसा नहीं कि इसी वर्ड को लेकर बैठूंगे कि नहीं, हमें बंत जी ने बताया है कि उपोषित कम्म ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए तो उपोषित कम्म, ऐसा नहीं। हमें शब्दों में नहीं गिरना है ना, शब्दों के झड़ों में नहीं गिरना है। ये भी एक तरीका है उसको इस्तेमाल करने का, है ना। याद रखिएगा, कोई भी शब्द इस्तेमाल करते समय उसकी परिभाषा क्या है ना, या वो हम किस अर्थ में ले रहे हैं, वो हमेशा क्लियर कर होना चाहिए आपको। और जब आप किसी को बता रहे हैं, या धम्म में, देखिएगा, धम्म में अगर कभी भी किसी आपको बात समझा रहे हैं तो परिभाषा सहित कि मैं इस शब्द को इस अर्थ में समझता हूँ, ऐसा समझाए कभी भी। क्योंकि कैसा होता है कि धम्म तब विकृत होना शुरू हो जाता है ना, तब धम्म में विकृति आना शुरू हो जाती है लोगों के लिए, जब लोग शब्दों के अर्थ अपने हिसाब से बताना शुरू कर देते हैं। तो आप ऐसा समझो कि मेरे द्वारा इसका अर्थ अलग भी हो सकता है, ऐसा बोल के बताइए, है ना। क्योंकि भगवान तो हर एक शब्द की व्याख्या करते हैं, तो हमें तो उपोषित कम्म ये शब्द देखने के लिए मिलता है, और उपोषित भी देखने के लिए मिलता है, और उपोषित अंग भी देखने के लिए मिलता है, ऐसे कई सारे शब्द है। तो उपोषित कम्म, उपोषित कम्म जब हम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका अर्थ होता है उपोषित का क्रियात्मक रूप। जब हम उपोषित पालन कर रहे होते, उपोषित का अंग धारण किए होते, उस उपोषित के अनुसार जीवन यापन कर रहे होते, उसे कहते उपोषित कम्म। ठीक है, अभी उपोषित भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो भिक्षुओं के लिए, भिक्खु भिक्खुनी अर्थात प्रव्रजितों के लिए, जिस बुद्ध शासन ने गृह त्याग करते हुए जो प्रव्रजा ग्रहण करते, तो उसमें भिक्खु और भिक्खुनियों के लिए, सामने नहीं, ठीक है, भिक्खु और भिक्खुनियों के लिए अलग से होता है। वो लोग जिस तरीके से करते हैं उनका होता है उपोषित कम्म, और दूसरा जो प्रकार है गृहस्थों के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए। तो भिक्षुओं के लिए जो उपोषित कम्म होता है वो सिर्फ महीने में 2 बार होता है, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा को, जिसमें उनके जो नियम है, जैसे कि भिक्षुओं के 227 पातिमोक और भिक्खुनियों के 311 पातिमोक, वो उस समय भिक्खुनी भिक्खुनी संघ में बैठ के उनका उपोषितागार होता है ना। उपोषितागार मतलब ऐसे एक इमारत होती है, एक सीमा बनी होती है, संघ के द्वारा वहां पे चैंटिंग की होती है, संघ से अनुमति लेके पूरा उसका जो वस्तु गृह है वो सब देखते हुए उसका एक ऐसा इमारत बनी जाती है। वो एक उसकी भी एक मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट के हिसाब से वो एक इमारत संघ की अनुमति लेके बनाई जाती है, और वो सीमा भी पत्थर की भी हो सकती है, पानी की भी हो सकती है, सीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी में प्रव्रजा जब भी किसी भिक्षु की होती है, और सामने दीक्षा नहीं, भिक्षु दीक्षा, भिक्खुनी दीक्षा जब होती है, इसे उपसंपदा कहते हैं, तो उस सीमा के अंदर ही होता है। ठीक है, और जो भिक्खुनी पातिमोक्ष, भिक्खु पातिमोक्ष है, वो भी उस सीमा के अंदर ही बैठे किया जाता है, अष्ट पूर्णिमा और अमावस्या को। तो वो पूर्णिमा और अमावस्या को वो पातिमोक्ष का पठन वहां पे होता है उपोषितागार में। ठीक है, तो ये दो दो बार होता है महीने में, अमावस्या और पूर्णिमा को, जिसमें वो लोग भी अपने नियमों का पठन करते हैं, और अगर कोई नियम टूटा होगा, कोई नियम गलती से अगर टूट गया वगैरह होगा, तो भिक्खु के सामने कबूल करते हैं, और भिक्खु संघ एक दंड का प्रावधान करके, या उस नियमों में भी अलग अलग तरह के नियम होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं अगर टूट गए तो सिर्फ क्षमा से आप उसे ठीक कर सकते हैं, कुछ स्वीकार करके, तो कुछ का दंड भोग के, तो कुछ का कुछ दिन बाहर रह के, ऐसे 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 अनुसार करके, मतलब शुद्धि का हमेशा है, जैसे कि उस प्रावधान के हिसाब से वो कर्म फल दंड भोग के वो इंसान फिर से शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी आप किसी भिक्खु संघ की किसी बात को भी लेके अगर निंदा कर रहे हो तो सावधान रहिए, क्या पता हो सकता है कि उस कर्म के लिए उसने भिक्खु संघ से ऑलरेडी माफी मांग लिया हो, और आप उसके अतीत कर्म को लेके भी वो शुद्ध हो चुका है, और फिर से उस कर्म को लेके दोहरा निंदा कर रहे हैं, तो आपके लिए दुर्गति का, हानि का कारण बन सकता है।
तो समय समय पे हर 15 दिन में वो लोग अपनी शुद्धि के लिए उनका पातिमोक्ष वगैरह होता है, महीने में 2 बार होता है। ये भिक्खु पातिमोक्ष वगैरह जो होता है वो उनका उपोषण कम होता है। फिर जो गृहस्थों का और उपासक उपासिकाओं का जो होता है वो महीने में 4 दिन होता है, ठीक है, कौन से? पूर्णिमा, अमावस्या और द्विअष्टमी, हर 7 दिन में एक आती है ना। इस प्रकार से पहले अष्टमी आई, फिर अष्टमी के बाद अमावस्या आएंगे, अमावस्या के बाद फिर अष्टमी आएंगे, फिर अष्टमी के बाद फिर पूर्णिमा आएंगे। इस प्रकार एक महीने में 4 दिन आते हैं। ये 4 दिन एक उपासक को, उपासक होने के नाते उसको अष्टांग उपोषित ग्रहण करते हुए, अष्टशीलों का पालन करते हुए वो उपोषित कर्म करना होता है। तो ऐसे 4 दिन होते हैं उपासकों के लिए। अभी ये जो उपोषित है, यह जो जिस शब्द से बना है, उपेचा, सॉरी उपेति, उपेतो है ना, और उपेचा है ना, इस प्रकार के शब्दों से ये उपोषक बनाया था कि उपासक भी इन्हीं शब्दों से बना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अप्रोचिंग, या ड्रॉइंग नियर, या टू गो टू, या टू एंटर, या टू पोजेस्ट, मतलब किसी चीज के पास पहुंचना, उस चीज के करीब जाना, या उसमें प्रवेश करना, इसका अर्थ ये होता है। मतलब उपेतो या उपेति, इसका जो अर्थ निकलता है उसका अर्थ ऐसा होता है कि किसी चीज के करीब जाना, निकट जाना, उसके पास जाना। तो बुद्ध शासन के हिसाब से एक उपासक किससे करीब जाना चाहता है? निर्वाण के करीब जाना चाहता है, उन आर्य पुग्गल, उन आर्य आर्य जो चर्या है ना, वो जो निर्वाण है उसके करीब जाना चाहता है। तो इसलिए उसे उपासक कहते हैं। और उपोषित भी इसलिए पालन करता है ताकि उस निर्वाण की तरफ से और समीप पहुंच सके, उस उपकलेशों से पूरी प्रकार से जो दूर की जो अवस्था निर्वाण, उसके करीब पहुंचना चाहता है। इसलिए भी उसे उपासक या उपोषक कहते हैं, क्योंकि ये उपासक और उपोषक इन दो शब्दों से, मतलब इसी शब्द से इसका जो रूट वर्ड है वो ये है, उपेति या उपेतो। तो ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि उपोषक क्यों करें हम, है ना। तो जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि उपोषक जो है सुगति का कारण है ना, कि अगर हम उपोषक करते हैं तो हमारी सुगति क्या है, निश्चित होती है। अगर मरते समय हमारा जिस देवयोनि के साथ हमारी मैत्री मिलती है, उस देवयोनि में हमें उत्पन्न होता है। इस उपोषक के बलबूते पे हम सातों देव, छह के छह देवयोनि में से किसी एक देवयोनि में उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार जो छह देवयोनि है, चतुर महाराजिक देवयोनि है, तैंतीसा देवयोनि है ना, तो यामा देवयोनि, तुषिता देवयोनि, निम्मान रति पर निम्मान रति, इस प्रकार के जो छह प्रकार के देवयोनियां हैं, इन छह में से किसी भी एक देवयोनि में मृत्यु के समय जैसे हमारी जिस हमारी मैत्री मेल खाती है, उस देवयोनि में हम क्या है, उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार हम कहते भी है शील या शील देने के बाद कई सारी परंपराओं में शीलन सुगति है ना, शीलन भोग संपत्ति। तो जिस प्रकार की इन शीलों के प्रताप से आपकी सुगति निश्चित है, इन शीलों के प्रताप से आपको जो भोग संपत्ति है वो भी क्या अच्छे से अच्छी प्राप्त होती है। इसलिए भी हम क्या होते हैं, शीलों का पालन करते हैं। इसके अलावा ये जो शील है, ये जो उपोषित शील है, जो उपोषित पालन करने का जो लाभ है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि उस समय में 16 जनपद थे, 16 राज्य थे, बहुत बड़े बड़े राज्य थे। भगवान कहते हैं कि ये 16 जनपद का मिलके जितना धन होगा, जितना ऐश्वर्य होगा, जितनी भोग संपत्ति होगा, वो सब मिला के भी एक दिन की उपोषण का 16वां अंश से मेल नहीं खाते। इतना महाप्रताप होता है उपोषण पालन करने से। भगवान ने बार बार कहा उपोषण सूक्त में कि महाफल्लो होती, महानिशंसो होती, महाज्युति को और महाविफारो होती, अर्थात ये महान फलदायी है। इसका फल क्या होता है, बहा महान होता है, अतिशय महात्म्य वाला है, इसका महात्म्य है बहुत, क्योंकि इसमें समाज में बहुत कीर्ति फैलती है उपासक फलों की, ना सिर्फ इधर फैलती है, यही लोग फैलती है, परलोक में फैलती है। जो जो देवता में जो सभा होती है महीने में, वो जो सुधर्मा सभा जिस नाम जानी जाती है, उस सुधर्मा सभा में ब्रह्मा खुद आते हैं, देवताओं के राजा इंद्र भी जिस सभा में रहते हैं, वहां पे तक उस उपोषक पालन करने वाली क्या होती है, प्रशंसा होती है। इसलिए इसकी इसका बहुत महात्म्य है, देवता लोग भी इसे बहुत अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं जो कोई उपोषक का पालन करता है। इसके अलावा महती शोभा वाला, इसकी शोभा बहुत होती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है शीलों की सुगंध तो चारों दिशाओं में जाती है, तो इसकी शोभा बहुत है। और हम सभी को पता है, संस्कृत में भी कहा जाता है कि शीलम परम भूषणम, शीली व्यक्ति का परम भूषण है, आभूषण है, तो ये उसका बहुत शोभा होती है। और इसके अलावा अत्यधिक कीर्ति, शीलवान व्यक्ति, शीलों से व्यक्ति की सबसे ज्यादा क्या होती है, कीर्ति होती है। यहाँ तक कि शीलवान व्यक्ति की उसके शत्रु भी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो ये
उपोषक का क्या होता है, महान फल होता है। सोचिए जब भगवान कह रहे हैं कि 16 जनपदों का, पूरे जम्बू द्वीप के राज्य का सोना चांदी भी सब कुछ, उसका ऐश्वर्य भोग संपत्ति भी अगर उस मिला के भी उसके उपोषक कम के 16वें अंश के बराबर तक नहीं है। आप सोचिए, एक एक तिहाई, दो तिहाई, तीन तिहाई, चार तिहाई के लिए 16वें अंश के बराबर भी नहीं है बोला जा रहा है। ये उपोषक कम का क्या होता है, लाभ होता है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध और उसकी प्रशंसा में बताते हुए कि देखो, चंद्रमा रात को प्रकाशित होता है ना, और सूर्य दिन में प्रकाशित होता है। इस सूरज और चांद के रोशनी के नीचे जितना भी सोना, जितना भी मोती, जितने भी धन, जितना भी ऐश्वर्य, जितना भी भोग संपत्ति, जितना भी कुछ है, मोती वगैरह वगैरह, रत्न वगैरह, जितना भी इस सूरज के प्रकाश के नीचे हमें दिखते हैं, चंद्रमा के प्रकाश के नीचे जितने भी आता है, ये सब कुछ, इन सबको मिला के भी, जितना भी भोग होगा, इन सबको मिला के भी उपोषद कम्म के 16वें अंश के बराबर भी नहीं। इतना लाभ भगवान बुद्ध ने इस उपोषद कम्म का बताया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक बार जब भगवान बुद्ध कपिल वस्तु में थे, तो कपिल वस्तु में होते हुए जब शाक्य लोग भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आते हैं, तो भगवान बुद्ध से जब वो मिलने के लिए आते हैं, तो भगवान बुद्ध, पता है उन्हें क्या, उस दिन उपोषद का ही दिन रहता है जब वो लोग मिलने के लिए आते हैं। देखो, उपोषद का दिन तो भगवान से मिलने के लिए गए, ऐसा होना चाहिए। अरे, उपोषद के दिन तो भी हमने किसी भिक्षु को याद करना चाहिए, संघ को, किसी से बंधु से मिलना चाहिए, या दान करना चाहिए, या कुछ तो भी धर्म सुनना चाहिए। तो उसी प्रकार उपोषद दिन खास तौर से विचार आना ही चाहिए कि आज उपोषद है, तो आज मैंने कम से कम धर्म सुनना चाहिए, किसी भिक्षु को याद करना चाहिए, किसी भिक्षु का आशीर्वाद देना चाहिए, दमन तो सन, इन दोनों में से कुछ तो भी करना चाहिए। तो जो शाक्य लोग हैं, वो लोग उपोषद के दिन ही आते हैं भगवान से मिलने के लिए उस विहार में। तब भगवान उन्हें पूछते हैं, शाक्यो, क्या तुम लोग बराबर हर पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी को उपोषद कम्बल ले रहे हो, उपोषद का पालन कर रहे हो? तब शाक्य लोग कहते हैं कि भगवान, हम कभी कभी करते हैं और कभी कभार नहीं करते। इस प्रकार मतलब आज आपकी जो स्थिति, उस समय वही स्थिति थी। भले आज के लोग बोल सकते कि भगवान, आज तो बहुत तेज का जमाना हो गया, समय नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। गृहस्थ जो समय नहीं निकालता, उसको कभी समय नहीं निकाल सकता, समय निकालना पड़ता है। तो उस समय के शाक्य लोग भी भगवान को कहते हैं कि भगवान, कभी कभी उपोषित करते हैं और कभी कभी नहीं करते, कभी कभी पालन होता है, कभी कभी पालन नहीं करते हैं, मतलब कभी कभार उपोषित ग्रहण करते हैं, कभी कभी उपोषित ग्रहण नहीं करते। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि शाक्यो, तुम सोचोगे रोज कोई व्यक्ति मेहनत करता हुआ अगर कमाए 100 100 आना या 50 आना, तो भी अगर रोज इतने कमा रहा है और अपने लिए बराबर पैसा निकाल के रख रहा है, तो अगर समझ जाओ 100 साल के लिए, 100 साल का हो जाता है, तो 100 साल का होने तक उसके पास कितनी संपत्ति जमा हो जाएंगी? तो भगवान कहते हैं बहुत संपत्ति जमा हो जाएंगी। तो क्या इतने संपत्ति में वो आराम से जी नहीं सकता? भगवान कहते हैं कि भगवान बहुत आराम से जी सकता है ना, तो बहुत आराम से जी सकता है, पर क्या इतने संपत्ति होने पर भी क्या वो इस संपत्ति से आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकता है? क्या एकांतवास का सुख प्राप्त कर सकता है, या निर्वाण सुख प्राप्त कर सकता है? कहता है कि भगवान, नहीं, वो 100 साल का होने पर भी, इतना संपत्ति जमा होने पर भी, इतना लंबा जीवन बिताने पर भी, अगर उसने कभी उपोषित कम पालन नहीं किया होगा, उसने कभी उपोषित युक्त जीवन नहीं जिया होगा, तो कभी एकांत सुख का लाभ नहीं ले पाएगा। उस इस पूरी संपत्ति से भी, इस पूरे 100 साल की संपत्ति से भी उसे वो एकांत सुख, वो एकांत रस, वो धर्म सुख इस संपत्ति से उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो शाक्य, अगर हफ्ते में अगर एक दिन अगर हम अपने सारे कामकाज बाजू में रखते हुए अगर एक दिन भी हम उपोषित करेंगे, तो क्या हमारे संपत्ति में क्या बहुत हानि हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फिर उपोषद पालन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, शाक्य हो? इसके अलावा भगवान बुद्ध कहते हैं कि शाक्य हो, का ये तो मानते हो, अगर मेरा धर्म कोई 10 साल बराबर श्रवण करते हुए उसका अनुसरण करता होगा, तो क्या उसके प्रताप से वो ये एकांत एकांत प्रेमी होगा नहीं? क्या वो एकांत में अपार आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगा? भले उसका तो संपत्ति नहीं होगी, पर क्या वो एकांत रहते हुए एकांत में आनंद नहीं मना पाएगा? क्या एकांत में सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा? क्या वो आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा? और क्या वो, क्या सोतापत्ति, चक्रोतगामी, अनागामी, इन 8ों में से कोई एक अवस्था प्राप्त नहीं कर पाएगा? कहते कि भगवान, अगर वो अवश्य, अगर आपके धर्मानुकूल आचरण कर रहा है, आपके बताए हुए धर्म का अनुकूल आचरण कर रहा है, तो अवश्य वो कम से कम सोतापत्ति तो फल प्राप्त कर लेंगे, और नहीं सोतापत्ति फल, तो कम से कम एकांत में आनंद मनाने वाला, एकांत में सुख भोगने वाला वो जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपका एकांत रस ही इस धर्म की विशेषता है। तो कहते हैं चलो,
शाक्यो 10 साल छोड़ दो, 9 साल, कहते भगवान 9 साल भी, चलो 9 साल छोड़ दो, 8 साल, 8 साल छोड़ो, 5 साल, भगवान करते करते 1 साल पे आते, अगर 1 साल भी हम इस धर्म को लगातार अच्छे प्रकार श्रवण करते हुए उसका अनुसरण करें, तो भी हमारा चित्त इतना सामर्थ्यशील हो जाता है कि हम एकांत में आनंद ले पाए, एकांत रसी हो जाए, एकांत प्रेमी हो जाए, धर्म अभिलाषी हो जाए, धर्म धर्म में रस जानने वाले हो जाए, है ना। याद रखिएगा, इतनी संपत्ति होने पर भी लोग एकांत में आनंद नहीं ले पाते, पागल हो जाते। हम देखते हैं कितने सारे स्टार्स ने आत्महत्या किए हैं, कितने बड़े बड़े सुपरस्टार ने, अभी भी देखते हैं कितने सारे खबरें आई हैं आपके, वो अलादीन से अलीबाबा सीरियल के देखिए वो स्टार मर गई, आए दिन हमें केस आते, कई कई जगहों के आते हैं यार, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि इतना सब संपत्ति होने पर भी, इतने बड़े बड़े स्टार्स में कितनी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति है, पर फिर भी ये संपत्ति उनको एकांत में आनंद नहीं दे पा रही, एकांत रस में आनंद नहीं दे पा रही। भगवान यहाँ तक के कहते हैं कि अगर चलो 1 साल छोड़ो, अगर 6 महीने ही बराबर अगर मेरा धर्म सुनता है, 6 महीने छोड़ो, 4 महीने, 4 महीने छोड़ो, 5, 3 महीने, 3 महीने, भगवान यहाँ कैसा करते करते 1 दिन भी आता, अगर 1 दिन भी भगवान कहते, अगर 1 दिन भी ठीक प्रकार से मेरे बताए द्वारा धम्म का वो आचरण करता, अनुसरण करता है, तो एकांत प्रेमी हो जाता है वो, एकांत में रस देने वाला, एकांत से आनंद देने वाला, और कम से कम सोतापति तो हो ही सकता है 1 दिन में भी, अगर वो ठीक प्रकार से धर्म का आचरण करे। तो फिर तुमने इस धर्म का ठीक प्रकार से पालन के नहीं करना चाहिए क्या? तब तो कहते हैं कि भगवान हम आगे से इस उपोषित कर्म को बराबर धारण करेंगे, बराबर पालन करेंगे, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना अच्छा है। अगर हम हफ्ते में 1 दिन तो भी सुबह का ढंग से पालन करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम ही कल्याण होंगे, हमारी ही सुगति निश्चित होगी, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ हो, कुछ तो रहेंगे हमारे पास, भले भले मतलब अगर समझिए, अगर हम आज दिन भर खाली बैठे हैं, खाली बैठे तो कुछ कमाएंगे क्या, हम कुछ भी नहीं कमाएंगे, कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। पर वही अगर हमने कुछ काम किया, तो चलो भाई रोज 100 आने कमाते थे, आज हमने कम से कम 10 आने कमाए, तो 10 आने ज्यादा है हमारे पास, कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा। उसी प्रकार ऐसा दिन को खाली बिताने से अच्छा उपोषित युक्त होकर, शील युक्त होते हुए, भले उतनी परिपूर्णता से पालन नहीं हुए, पर कुछ अंश में तो हुए, चित्त उतने रूप में तो सिद्ध हुआ, चित्त में उतनी तो भावना उत्पन्न नहीं, थोड़ा सा पुण्य कर्म कर लेता, और भगवान तो साफ कहते हैं कि चेतना ही कर्म है। तो इस प्रकार से व्यक्ति ने समझना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ऐसा लाभ बताते हैं, यहाँ तक जो चक्रवर्ती राजा है, आज तक हम बौद्ध साहित्य में जो चक्रवर्ती राजा देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो निमि जैसे महान राजा हुए, ऐसे जो महान महान चक्रवर्ती जो राजा हो चुके पाली साहित्य में, उन्होंने वो भी अगर चक्रवर्ती हो पाए तो उपोषित के दिन ही हो पाए, उनको भी इस प्रकार से आदत थी कि हर उपोषित के दिन, हर बोलो उपोषित धारण करते हुए, अष्टांग शीलो अष्टांग उपोषित धारण करते हुए उसके अनुसार जीवन जीविए, और ऐसे ही एक किसी एक उपोषित के समय उनको वो 7 रत्न प्राप्त होते थे, जिसके आधार पर वो समस्त जम्बूद्वीप के चारों दिशाओं के चक्रवर्ती राजा बनते थे, बिना तलवार इस्तेमाल किए, बिना खून बहाए। तो इस उपोषित के प्रताप से ही उनको वो चक्रवर्ती राजा होते थे, अब तक के चक्रवर्ती राजा भी क्या उपोषित का पालन करते थे। तो ऐसा महाफलदायी होता है उपोषित का, इसलिए हमें उपोषित पालन करना ही चाहिए। अब प्रश्न आया था कि उपोषित कब धारण करना चाहिए, उपोषित कब पालन करना चाहिए, तो उपोषित कब पालन करना चाहिए, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध बताते हैं कि उपोषित जो पालन करना चाहिए वो है दो अष्टमी, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, हर महीने में 4 दिन आते हैं, इन 4ों दिन हमने क्या उपोषित धारण करना चाहिए, उपोषित पालन करना चाहिए। अब प्रश्न आता कि इन्हीं दिन क्यों पालन करना चाहिए, किसी और दिन पालन नहीं कर सकते क्या, तो उसके लिए भगवान बुद्ध ने बताया गया है। तो चतुर महाराज जी अर्थात 6 देवभूमि में जो सबसे प्रथम भूमि है, सबसे निचली देवभूमि है, जिसमें चतुर महाराज जी रहते हैं, मतलब तो चारों दिशाओं के महाराजा है ना। कौन थे वो 4 महाराजा है, जैसे कि उत्तर के जो राजा है, उत्तर के जो देवता है वो कौन है, वैश्रवण, जिसको हम कुबेर के नाम से भी जान सकते हैं, वैश्रवण जो सब कुछ सुन सकता है उसे वैश्रवण कहते हैं, जो कि यक्षों का राजा है, वैश्रवण वो उत्तर का राजा है, वो उत्तर का देवता है। फिर दक्षिण का राजा कौन है, विरुल्लक, इसका नाम है विरुल्लक, जो कि वृद्धि में है ना, वृद्धि का जो जीवन में जो वृद्धि है, या इसमें शरीर में जो वृद्धि है उसका जो कारण है, इसलिए उसका नाम विरुल्लक है, जो कि कुम्भंडो का राजा है और वो दक्षिण का राजा है, और जिसके अंडर में, जिसके ताकत में वायु आ जाती है, वैश्यवन के ताकत में बरसात आ जाती है, ठीक है। इसका धृतराष्ट्र, दुष्टराष्ट्र ये गंधर्वों का राजा है, जो कि पूर्व का राजा है, पूर्व का देवता है ये, है ना, और जो कि संगीत का भी राजा माना जाता है। और इसके अलावा विरूपक,
जो कि नागों का राजा माना जाता है, जो कि पश्चिम का राजा है, पश्चिम का देवता है। तो इस प्रकार ये चतुर महाराजी, ये चार दिशाओं के महाराजा को एक भाषा में कहा जाता है चतुर महाराजी। ये जो देवता है इनकी भूमि कही जाती है चतुर महाराजिक भूमि। और ये पृथ्वी पे ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसमें इसमें से कई सारे पृथ्वी के साथ इन्हीं, मतलब ह्यूमन मनुष्य के साथ में ही ये लोग क्या करते हैं, वास करते हैं, इनके विमान वगैरह भी होते हैं। तो इस प्रकार से चार जो महाराजा है ना, ये चारों महाराजा जो है, जो इनके दे इन इनके जो अपने प्रधान सेवक है, या इनके जो देवदूत होते हैं, है ना, ये इनके सभासद होते हैं, जो प्रमुख होते हैं इन चतुर महाराजिकाओं के, जिसे हम प्रधान भी कह सकते हैं, वो लोग अक्सर अष्टमी को पृथ्वी के सैर करते हैं, यानी पृथ्वी पर देखते हैं कि ठीक प्रकार से धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं, लोग अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं कि नहीं, लोग श्रमण ब्राह्मणों को आदर सत्कार गौरव दान वगैरह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना, लोग शीलों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस प्रकार से वो लोग ऐसा नजर रखते हैं, वो देखते हैं अष्टमी के दिन। इसी के अलावा अमावस्या के दिन जो इन चतुर महाराज जी के जो पुत्र है, वो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लोग ठीक प्रकार से अपने माता पिताओं का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं, है ना, श्रमण ब्राह्मणों को, भिक्षुओं को दान दे रहे हैं कि नहीं, उनका सत्कार कर रहे हैं कि नहीं, उनका गौरव कर रहे हैं कि नहीं, है ना, और लोग शीलों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, नैतिक जीवन बिता रहे हैं कि नहीं, ये देखते हैं। और पूर्णिमा को जो होते हैं, खुद स्वयं चतुर महाराजिक जो है वो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सारे कृत्य अभी भी मनुष्यों द्वारा किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। और ये सब नोटिस करने के बाद उनकी जो बैठक बैठती है 33 तावंतिसा देवलोक में, तावंतिसा देवलोक में सुधर्मा नाम जो सभा होती है, वहां पे इनकी जो सभा बैठती है, वहां पे जाके इस बात पे चर्चा होती है कि हाँ अभी भी मनुष्य लोक में लोग अपने माता पिता का सत्कार कर रहे हैं, गौरव करते हैं, श्रमण ब्राह्मणों के संगति में है, और अभी भी वो लोग शिवों का पालन कर रहे हैं। तो यह जान के उन देवताओं को काफी प्रसन्नता होती है, जिस सभा का हेड होता है इंद्र, और उस सभा में कभी कभार ब्रह्मा भी आते हैं, तो उन देवताओं को काफी प्रसन्नता होती है कि वाह लोग क्या कर रहे हैं, शिवों का पालन कर रहे हैं। तो उनको प्रसन्नता होती है कि इससे देव लोगों की जो पॉपुलेशन है, अर्थात जो देवताओं की जो संख्या बढ़ेगी, और अगर उन्हें ऐसा पता चलता है कि नहीं उन तक से ये लोग चतुर महाराज जी देवता लोग, उनके पुत्र या फिर जो उनके दूत है, वो लोग जब खबर लेके जाते हैं उनके पास कि नहीं अभी मनुष्य लोक में लोग शिव पालन नहीं कर रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, धर्मानुकूल आश्रम नहीं कर रहे, श्रमण ब्राह्मणों का सत्कार नहीं कर रहे, तो ये सब नहीं करते, उनको चिंता होती है कि अरे इससे तो असुरों की संख्या बढ़ेगी, ऐसे में क्या होती है, चिंता होती है। तो इस प्रकार से ये लोग देखते रहे, नजर रखते हैं, है ना, और इसके कारण हम अगर हम शिलो का पालन करते हैं तो हमारे जो देवता लोग होते हैं, जो अच्छे देवता होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रक्षा भी करते हैं, है ना। तो इसलिए भी हमने क्या करना चाहिए इस दिन, तो भी कम से कम, क्योंकि वो लोग हम पे ध्यान रखते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, तो इस दिन तो भी हमने क्या करना चाहिए, उपोषण का हमने पालन करना ही करना चाहिए। यहाँ तक कि यही जगह भगवान ने ऐसा भी कहा है कि जो उपोषण का पालन करते हैं उन पे यक्ष कभी भी हावी नहीं होते हैं। ये लाभ है उपोषण पालन करने का, है ना। और उपोषण से क्या होते हैं, हमारे शील और मजबूत होते हैं, हमारे हमें और विश्वास प्राप्त होता है। तो समझ गए कि इसी दिन हम लोग उपोषण क्यों पालन करते हैं। तो ये लोग जो है, ये लोग क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और देखते हैं, इसलिए इस दिन भी लोग उपोषण पालन करना चाहिए। इसके अलावा जरूरी नहीं कि आप इन्हीं दिन उपोषण पालन कर सकते हैं, पर ये दिन विशेष है, इंक्रीमेंट बढ़ जाता है आप लोगों का, इस रूप में समझिए। बाकी कुछ लोग होते हैं जो आजीवन अष्टशील भी धारण करते, जैसे कि अनागारिक लोग, उनका आजीवन अष्टशील होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि अनागारिक बन के आप लोग अष्टशील ले, ऐसे भी आप अष्टशील ग्रहण कर सकते हैं आजीवन के लिए। तो कई सारे लोग हैं जो अष्टशील आजीवन के लिए धारण करते हैं। समझ गया कि कब करना चाहिए और इन्हीं दिन क्यों करना चाहिए, क्योंकि चतुर महाराज जी देवताओं के कारण हम इसी दिन क्या करते हैं, इसका धारण करते हैं। अभी अभी हम देखते हैं कि उपोषद के प्रकार, अभी उपोषद के प्रकार भी होते हैं। भगवान बुद्ध तीन प्रकार के उपोषद बताते हैं। सबसे पहला जो होता है गोपाल उपोषद, गोपाल उपोषद, और दूसरा जो उपोषद होता है वो निग्रह उपोषद, और तीसरा होता है आर्य उपोषद। तो ये तीन प्रकार के उपोषद है। तो हमने विचार करना चाहिए कि हमारा जो उपोषद हो रहा है वो किस गिनती में आ रहा है, उसी कैटेगरी किस गिनती में आ रही है। तो सबसे पहला जो होता है गोपाल उपोषद, गोपाल उपोषद होता है कि जिस प्रकार से समाज जो गायों को चराता है,
जो गायों को चराता है उससे गोपाल कहते हैं ना। तो अभी जब कोई गायों को चराता है किसी और की गायों के मालक के, समझो अपने मालक के गायों को चराता है, तो दिन भर गायों को चराने के बाद जब शाम को अपनी सारी गायों को वापस लेके जाते हुए जब वो अपनी गायों को मालक के हाथ में, मतलब अपने मालक के हाथ में जब वो गायों को सौंप देता है, तो फिर उसके मन में ऐसा विचार आता कि मैंने आज गायों को यहाँ यहाँ पे चराया, तो कल मुझे वहां वहां, कल मैं उस दिशा में वाहवा वाहवा लेके जाऊंगा, उनको वाहवा ऐसी ऐसी घास चराऊंगा। मतलब वो गायों को छोड़ते हुए भी दूसरे दिन के बारे में विचार करता है कि आज मैंने यहाँ यहाँ चराया तो कल मुझे वाहवा चराना पड़ेगा, मुझे वाहवा लेके जाना पड़ेगा, कल मैं उधर उधर लेके जाऊंगा, इसी दिशा में लेके जाऊंगा, ऐसा वो विचार करता है। तो उसी प्रकार ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जब उपोषित पालन करता है, तो उपोषित पालन करते हुए उसके मन में ऐसा आता है कि आज मैंने भोजन में ये किया, आज मैंने ऐसा ऐसा खाया, ऐसा ऐसा खाना खाया, आज ये किया, कल मैं वैसा वैसा खाऊंगा, आज मैंने ये खाया कल मैं वो खाऊंगा। इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से भी वो लोभ युक्त चित्त से ही क्या करता है, उपोषण धारण करता है, उपोषण पालन करता है। तो जो चेतना कुशल होनी चाहिए थी, जो चित्त कुशल हेतु से उत्पन्न होने चाहिए थे, मतलब अलोभ अद्वेष अमोह से उत्पन्न होने चाहिए थे, वही चित्त क्या हो रहे, लोभ से उत्पन्न हो रहे। तो जो चित्त है वो लोभ युक्त चित्त हो रहा है, तो कुशल कर्म नहीं बन रहा है। भले उसको लग रहा होगा कि मेरा क्या पुण्य बन रहा है, पर चित्त ही क्या हो रहा है, गलत उत्पन्न हो रहा है। लोभ सहगतम चित्त हो रहा, उत्पन्न हो रहा है, तो उसका पुण्य ही नहीं हो रहा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा उपोषित किसी अर्थ काम का नहीं, क्योंकि वो पूरी इसके जो दिन है वो पूरा दिन क्या हो रहा है, लोभ सहगत चित्त के साथ व्यतीत होने का उसका कर्म विपाक भी वैसा ही आएगा, पुण्य नहीं आएगा, क्योंकि वो विचार कर रहा है कि कल मुझे ये खाना है, फिर वो उसके हिसाब से अपना पूरा जीवन बिताएगा। तो इसे गोपाल उपोषित कहते हैं। फिर दूसरा जो उपोषित होता है निग्रंथ उपोषित। निग्रंथ उपोषित मतलब जिस प्रकार से जो जैन साधु में जिस प्रकार किया जाता है, उसमें कैसा होता है कि कोई गुरु उसका ऐसा बताता है कि तुम ऐसा जाओ 100 योजन तक, इस प्रकार संकल्प लो कि यहाँ से 100 योजन तक उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, चारों दिशा में 100 100 योजन तक मैं किसी पे भी हाथ नहीं उठाऊंगा, किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा व्रत धारण करो। और ऐसा व्रत धारण करने के बाद जब अमावस्या या पूर्णिमा आती है तो उसे बताते हैं उसे गुरु कि तुम अभी जाओ ऐसा ऐसा करो, अपने अपने ऊपर के सारे वस्त्र फेंक दो, और सारे वस्त्र फेंकने के बाद ऐसा ऐसा आह्वान करो कि ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है, ऐसा तुम उपोषित का पालन करो, उपोषित धारण करो। भगवान बुद्ध कहते हैं इसे भगवान बुद्ध मिथ्या उपोषित कहते हैं। क्यों मिथ्या उपोषित कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो वो जो 100 100 योजन तक जो ऐसा संकल्प लेता है कि मैं यहाँ तक कि किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, किसी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, तो सिर्फ 100 योजन तक, और 100 योजन के बाद के प्राणियों के लिए वो ऐसा संकल्प नहीं करता। तो इसी प्रकार से ये पूरी तरीके से हिंसा से विरति वाली चेतना नहीं होती इसमें। तो इसलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसमें भी प्राणाति पाता वाली चेतना आखिर में मौजूद रहती ही रहती है। इसके अलावा दूसरा कि असत्य भाषण हो गया कि ना मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके माँ बाप भी उसे जानते हैं कि हमारा बेटा है, और ये भी कहना नहीं सूक्ष्म रूप से जानता है कि ये मेरी पत्नी मेरे माता पिता है। तो ये असत्य भाषण झूठ मूसावादा उपोषित व्रत हो गया। और इसके अलावा जब वो दूसरे दिन फिर वही क्या होता है, बिना दिए किसी और का भोजन वो स्वीकार भी कर लेता है ना, खा भी लेता है, तो ये क्या कहता है, चोरी हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो उपोषित है निग्रह उपोषित, ये 3 अंगों से दूषित रहता है, सबसे पहले प्राणी हिंसा, दूसरा असत्य भाषण, और तीसरा चोरी। तो इसलिए भगवान बुद्ध इसे परिपूर्ण उपोषित नहीं कहते, शुद्ध उपोषित नहीं कहते, क्योंकि इस प्रकार 3 बातों से ये उपोषित क्या होता है, अशुद्ध रहता है। फिर तीसरा होता है आर्य उपोषित। आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है, शाब्दिक अर्थ जो आर्य का वो श्रेष्ठ होता है। तो जो आर्य उपोषित होता है, आर्य उपोषित में भी हमें 6 तरह के उपोषित देखने के लिए मिलते हैं। आर्य उपोषित में भी हमें 6 तरह के उपोषित देखने के लिए मिलते हैं। उसमें सबसे पहला जो उपोषित होता है वह ब्रह्म उपोषित है ना। ब्रह्म उपोषित में क्या होता है कि हम तथागत के गुणों का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, अर्थात तथागत के गुणों को याद करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो तथागत जिस प्रकार जो गुण बताए तथागत की जो वंदना करते, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोके दो अनुत्तरो ब्रह्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवती। इस प्रकार से तथागत के गुणों को याद करता हुआ, स्मरण करता हुआ, एक एक गुणों को ठीक प्रकार से, हमें तो शायद से याद भी नहीं होगा कि क्या क्या अर्थ होता है, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा, मतलब से हर एक गुण को वो याद करता है, स्मरण लाता है कि कितने वो गुण क्या है, वो गुण से कैसे भगवान युक्त है,
उस गुण का अर्थ, उस शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐसे हर एक शब्द को याद करते हुए अपने चित्त को आनंदित करता है, अपने चित्त को वो प्रमोदित करता है, अपने पूरे चित्त को वो श्रद्धा से भर देता है। और इसे श्रद्धा से भर देने के कारण उसका चित्त प्रमोदित होता है, और चित्त प्रमोदित होने के कारण उसके सारे जो उपकलेश है वो उपकलेश क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और वो बुद्ध के काफी करीब पहुंच जाता है। तो लोग ऐसा कहना शुरू कर देते हैं, अरे ये व्यक्ति तो ब्रह्मा के करीब पहुंच गया, ब्रह्मा मतलब श्रेष्ठ, तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के करीब पहुंच चुका है, तो श्रेष्ठ व्यक्ति गुणों का अनुसरण कर रहा है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों का संगति से क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। जैसे जब वो इस प्रकार तथागत की अनुस्मृति करते हुए अपने चित्त को श्रद्धा और श्रद्धा से अपने चित्त को प्रशांति प्राप्त करता है। और हम खुद जानते हैं समाधि में बुद्धानुस्मृति भी एक कर्मठान है, जिससे व्यक्ति का चित्त क्या होता है, एकाग्र होता है। तो इस प्रकार उसकी उपकलेश इस बुद्धानुस्मृति से ध्यान होते हैं। तो ऐसे बुद्धानुस्मृति करते हुए जो उसका चित्त श्रद्धा युक्त होते हैं, जो प्रमोदित होता है, जो आनंदित होता है, और इस कारणवश जो उसके उपकलेश शांत हो जाते हैं, तो इससे भी उसका उस दिन का उपोषद क्या हो जाता है, धारण हो जाता है, उसका उपोषद क्या हो जाता है, पालन हो जाता है। तो इस प्रकार बुद्ध के गुणों को याद करते हुए अपने चित्त के उपकलेशों को जो शांत करता है, इस तरह के उपोषक को कहा जाता है ब्रह्मा उपोषक। ठीक है, फिर इसके बाद आता है धर्म उपोषक। धर्म उपोषक में क्या होता है कि वो धर्म के गुण याद करता है, स्वाक्खतो भगवता धम्मो संदिट्ठिको काले कोई पश्यो भगवतो सा धम्मो। तो इस प्रकार वो धम्म के गुणों को याद करते हुए अपने चित्त को श्रद्धा से भर देता है, और श्रद्धा के आधार पर, क्योंकि श्रद्धा चैतसिक के अभिधम्म के हिसाब से चैतसिक में श्रद्धा सबसे डोमिनेटिव फैक्टर है, सबसे बलशाली अधिपत्य रखता है श्रद्धा। तो धम्म के गुण याद करते हुए श्रद्धा उत्पन्न करता है, और श्रद्धा सब चित्त को प्रमोदित करता है, और प्रमोदित करने के कारण उसके सारे उपकलेश शांत हो जाते हैं। फिर लोग कहते भी है कि देखो यह व्यक्ति क्या है, यह व्यक्ति धर्म के काफी निकट पहुंच चुका है, इसे धर्म की संगति प्राप्त हुई, धर्मानुकूल अपना जीवन जी रहा, धर्म का अनुसरण कर रहा है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर स्नान करता है ना, और उसके उसके शरीर पर अगर कोई दाग, अगर गंदगी जम गई है, तो स्नान करने से, और साबुन उपाय योजना जो अगर हमें शरीर गंदा हुआ है तो हम कैसा साबुन ऊपर लगा के शरीर को साफ कर देते हैं, उसी प्रकार अगर आप उसका चित्त गंदा हुआ होगा, उसकी काया वाणी गंदी हो गई होंगी किसी कर्म द्वारा, तो इस धर्मानुसती द्वारा, इस धम्मानुसति के द्वारा वो क्या कर लेता है, अपने चित्त के सारे उपकलेशों को शांत कर देता है, और वो स्वच्छ हो जाता है। तो कैसे, तो इस प्रकार जो धर्म के सहारे से धर्म का अनुसरण करते हुए जो अपने चित्त के उपकलेशों को शांत करता है, उसे कहते हैं धर्म उपोषक। ठीक है, फिर इसके बाद संघ उपोषक। तो जो कोई संघ के गुणों को याद करते हुए, जिस प्रकार आप सभी को पता है सुपटिपन्न भवतु सावक संघ, जो संघ के गुणों को याद करते हुए जो अपने चित्त के उपकलेशों को शांत करता है श्रद्धा भर, क्योंकि संघ के गुण याद करते हुए श्रद्धा भर जाती है, और श्रद्धा से चित्त प्रमोदित होता है, प्रमोदित होने के कारण उसका जो चित्त है सारे उपकलेशों से शांत हो जाता है, और शांत होने के कारण क्या हो जाता है, वो ऐसा लोकप्रिय कहना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो संघ के करीब पहुंच रहा है, इसे सत्संगति प्राप्त हुई है। और इस प्रकार से, ऐसे जिस प्रकार से अगर कोई वस्त्र हमारे गंदे हो जाते हैं तो हम उसे निर्मा वगैरह लगा के साफ कर देते हैं, उस पर दाग निकाल देते हैं, तो उसी प्रकार ऐसा कोई व्यक्ति संघ के गुण याद करते हुए अपने काया वाणी के जो दुष्कर्म हुए होंगे उसको ऐसे वो शांत कर लेता है, उपकलेशों को संघर्ष द्वारा शांत कर लेता है। तो इस तरह से जो शांत करते हैं उसे कहते हैं संघ उपोषक। इसके बाद आता है शील उपोषक, शीलन उपोषक। शीलन उपोषक में क्या होता है, वो स्वयं के अछिद्र शीलों को याद करता है, कि मतलब वो उसने स्वयं से जैसे अखंड रूप से जो शीलों का पालन किया है, अखंड रूप से शीलों का अनुसरण किया है, अपने शीलों में दाग नहीं पड़ने दिए, शीलों का संवर किया है, उन शीलों को याद करते हुए वो अपने चित्त को आनंदित करता है, प्रसन्न करता है, और उससे अपने चित्त के सारे उपकलेश शांत कर देता है। तो इस प्रकार से सारे उपकलेश शांत होने के कारण वो क्या अपने आप को आनंदित महसूस करता है। जिस प्रकार से हम चांदी को कैसे करते हैं, नमक या पानी में अच्छे मिला के कैसे करते हैं, साफ करते हैं, उसी प्रकार इस शीलों को याद करते हुए अपने चित्त को प्रमोदित करता है, और अपने चित्त को शांत करता है, और इस तरह के उपोषद को कहते हैं शील उपोषद, तथा शीला शीला शील की अनुस्मृति करते हुए। इसके बाद जो होते हैं देवता उपोषद। देवता उपोषद में क्या होते हैं कि जो देवता है, चतुर महाराजिक देवता या
या तवंती सा देवता, या यामा देवता, तुषिता देवता यानी मान रही देवता, या परिमान रहते देवता। इस प्रकार से जानता है कि ये जितने भी देवता है ये अपने अपने पूर्व जन्म के श्रद्धा श्रद्धा बल से, अपने शील शीलों का श्रद्धा उत्पन्न, बुद्ध धम्म संघ के श्रद्धा उत्पन्न करके, शीलों का ठीक प्रकार से पालन करते हुए, धर्म को ठीक प्रकार श्रवण करते हुए, अपने त्याग से और अपने प्रज्ञा बल से क्या क्या हुए है, उस देव योनि में उत्पन्न हो गए। और उस देव योनि में उत्पन्न होकर इतना भोग सुख संपत्ति और इतना अच्छा जीवन वहां पे व्यतीत कर रहे हैं। तो मैंने भी इस प्रकार से वो श्रद्धा गुण, वो शील गुण, वो ज्ञान गुण, वो त्याग गुण, वो प्रज्ञा गुण अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार से उन देवताओं को, उनके देवताओं के गुणों को याद करते हुए अपने चित्त को प्रसन्न करता है ना, श्रद्धा से भर देता है, अपने चित्त को आनंदित कर देता है, और उसके कारण उसके सारे उपक्लेश शांत होते हैं, हो जाते हैं। और इस तरह की उपोषद को कहा जाता है देवता उपोषद। फिर देवता उपोषद के बाद आता है अष्टांग उपोषद, जो छठवां प्रकार का उपोषद है। अभी इसमें से जो छठवां उपोषद शुरू करने के पहले हमने जो भी पांच तरह के जो उपोषद देखे, इसमें एक बात आप ध्यान रखिए कि ये पांचों के पांच उपोषद जिस प्रकार से हमने समझे हैं उस प्रकार से कमठान में भी आता है। ये पक्का कमठान में अनुस्मृति के रूप में आपको पता है ना, जिससे कमठान मतलब जिससे हमारा चित्त शांत करते, समाधि का विषय, चित्त को एकाग्र करने का विषय, तो उसमें भी ये पांचों के पांचों विषय अनुस्मृति के रूप में आते हैं, है ना। तो इससे क्या हमारा चित्त एकाग्र होता है, और चित्त एकाग्र होने पर हमें अर्पणा या अर्पणा समाधि वगैरह प्राप्त हो सकती है। तो समाधि प्राप्त हुई मतलब हमारे चित्त के उपक्लेश क्या हो गए, शांत हो गए, मतलब हम क्या हो गए, स्वच्छ हो गए। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे वो शीलोक ग्रहण नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो इस प्रकार इसका अनुस्मृति करते हुए अपने चित्त के उपक्लेशों को शांत कर रहा है। कि हम जो उपोषित जो ग्रहण करते हैं, यहाँ पे इससे ये बात स्पष्ट होती है कि हम जो उपोषित जो ग्रहण करते हैं अपने चित्त के उपक्लेशों को शांत करने के लिए, या अपने आप के हमारे जो काया वाणी के द्वारा जो हम दूषित हो गए उसको शुद्ध करने के लिए, उसको स्वच्छ करने के लिए क्या करते हैं, हम उपोषित करते हैं। तो ये अष्टांग उपोषित को छोड़ के ब्रह्म उपोषद से भी हो सकते हैं, धर्म उपोषद से भी हो सकते हैं, संघ उपोषद से भी हो सकते हैं, शीलो उपोषद से भी हो सकते हैं, और देवता उपोषद से भी हो सकते हैं। इन पांच तरह की उपोषद मतलब इस तरह की भावना करके भी हमारा क्या होता है, उपोषद पालन होता है, उपोषद धारण होता है। इसमें वो शीलों का धारण, शीलों का धारण नहीं कर रहा है, पर उसके लिए वैसे चित्त की एकाग्रता चाहिए, वैसी श्रद्धा आपकी डेवलप होनी चाहिए कि वो अनुस्मृति से आपका चित्त एकाग्र हो जाए और आपका चित्त वैसा प्रमोदित होकर आपके सारे चित्त के उपक्लेश क्या हो जाए, शांत हो जाए। फिर भगवान बुद्ध इन पांचों उपोषद के बाद सबसे आर्य उपोषद में, इन पांचों उपोषद के बाद सबसे आखिरी में बता रहे भगवान बुद्ध अष्टांग उपोषद, है ना। अष्टांग उपोषद मतलब इसमें आठ अंग हम धारण करते हुए उपोषद ग्रहण करते हैं। इस बाकी पांच उपोषद में तो हम सिर्फ भावना करके, भावी मतलब जो उपासक को जो तीन त्रिविध जो शिक्षा दी उपासकों के लिए, दान शील भावना, इसमें भावना सबसे आखिरी है। तो जिसका दान और शील में अच्छे प्रकार से प्रतिष्ठित हुआ है, मेरे ख्याल से उसी के लिए ऊपर जो पांच उपोषद है, ब्रह्म उपोषद, धर्म उपोषद, संघ उपोषद, शील उपोषद और देवता उपोषद, उसी के लिए ज्यादा अच्छे से पालन हो सकते हैं, है ना। क्योंकि ये भावना के विषय हो जाते हैं, इसे भावित करना पड़ता है, इसके लिए चित्त की बहुत एकाग्रता और समाधि में जो डेवलप व्यक्ति चाहिए, ये समाधि के विषय में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन पांचों उपोषदों के बाद भगवान बुद्ध बताते हैं छठवां तरह का उपोषद, जिसे कहते हैं हम अष्टांग उपोषद और आर्य उपोषद। अष्टांग उपोषद इसलिए कहते हैं कि इसमें आठ अंग होते हैं, इन आठ अंगों को हम ग्रहण करते हैं, इन आठ अंगों का अनुसरण करते हैं। तो जो कोई विचार, जो कोई अष्टांग उपोषद को धारण करता है, उसके मन में क्या चेतना होती है, उसके मन में इस तरह की चेतना होती है कि जो जो कोई आर्य श्रावक होता है, आर्य श्रावक अर्थात अरहंत, सोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, जो आर्य श्रावक है, ये आर्य श्रावक इस प्रकार के आठ प्रकार के कर्म करता है और उस प्रकार के आठ कर्मों से दूर रहता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। तो मैंने भी इस प्रकार आठ बातों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, तो मैं उनका शिष्य कहलाऊंगा, सही मायने में तब मैं उनका शिष्य कहलाऊंगा, ऐसा सोच के अष्टांग उपोषद धारण करता है। हमने भी इसको ऐसे ही धारण करना चाहिए कि वो जो आर्य लोग हैं, अरहंत, सोतापन्न, चतुर्थगामी, अनागामी, इस प्रकार आठ प्रकार के कायिक दुष्कर्मों से दूर रहते हुए अपना जीवन यापन करें, तो मैंने भी वैसा अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए, तभी मैं सही मायने में उनका शिष्य, उनका अनुसरण करने वाला कहलाऊंगा। और इसी चेतना से वो
आठ बातों को ग्रहण करता है, और इन आठ बातों को ग्रहण करता हुआ ये अष्ट उपोषद वो धारण करता है। अभी ये जो अष्टांग उपोषद कैसे धारण करते हैं, सबसे पहली बात, जब भी आप उपोषद धारण करते हैं तो सबसे पहले आपका सुबह सुबह नहा के होना चाहिए, सूरज उगने के पहले। अगर आप जातक कथाएं पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी चक्रवर्ती राजा लोग भी अगर देखेंगे, जितने भी लोग उपोषण धारण करते हैं, तो बार बार पढ़ने के लिए आएगा कि सूरज उगने के पहले ही लोग नहा लेते हैं, क्योंकि सूरज उगा मतलब आपका उपोषण शुरू हो गया, तो सूरज उगने के पहले ही सर से नहाओ। तब मुझे एक काफी ऐसा थोड़ा मजाकिया है ये बात मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं तब अज्ञानी था इस विषय को लेके, कि अक्सर मैंने जातक कथाओं में पढ़ा था कि सर से नहाते सर से नहाते सर से नहाते। मैं वो समझा नहीं, बाबा इस सर से नहाते बार बार क्यों बोल रहे, अब जो भी कोई नहाने जाएगा सर से नहाने वाला है ना, ऐसा मेरे मन में आ रहा था। फिर जब मैं कॉलेज में था तब मुझे पता चला मेरे फ्रेंड से कि जो महिलाएं होते हैं, जो लड़कियां होते हैं, वो अपने बाल रोज ही धोते हैं, वो हफ्ते में सिर्फ एक बार धोते हैं, तो उनका अपना कोई रीजन होगा, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तब मुझे पता चला कि हाँ अब समझा कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो मतलब क्योंकि वो लोग जिस अपना बाल, क्योंकि बाल बहुत लंबे होते हैं तो लोग रोज अपने बाल भी धोते हैं, तो याद रखिए उपोषण के दिन आपने सर से नहाना चाहिए, मतलब पूरा, क्योंकि उत्तम अंग माना जाता है, इसको उत्तम अंग कहा जाता है, क्योंकि अगर आप वंदना करते उत्तम अंगे न वंदे है, इस उत्तम अंग से आप वंदन करते हैं, तो उसको भी आपने साफ करना चाहिए अच्छे से। तो सर से नहाते और सूरज उगने के पहले नहाना चाहिए। इसके अलावा सूरज उगने के पहले ही ग्रहण हो जाना चाहिए आपके, सूरज उगने के पहले ही शील क्या होने चाहिए आपके, ग्रहण होने चाहिए, क्योंकि सूरज उगा मतलब आपके शील शुरू हो गए, इस बात को समझ जाइए। इसके अलावा पूरा दिन आपका प्रयास होना चाहिए कि आप सफेद कपड़े पहने, और अगर किसी कारणवश जॉब वगैरह करते हैं आप सफेद कपड़े नहीं पहन सकते, तो भी जो भी कपड़े पहनते उस कपड़ों के प्रति ऐसा अनुराग नहीं होना चाहिए कि मैं ये ड्रेस पहनू, इस कलर का ड्रेस पहनूंगी, नहीं, जो मिला वो पहन लो। आईने में आपने ज्यादा देखना नहीं चाहिए, आईने में देख के अपने आप को संवारना नहीं चाहिए उस दिन में, समझाऊंगा एक शील को, और ऐसा उस पूरे दिन को शील को पालन करते हुए आपका यह उपोषण दूसरे दिन छूटता है, रात को नहीं छूटता है, दूसरे दिन सुबह आपका यह उपोषण क्या होता है, छूटता है, और उस समय भी आपने छोड़ना चाहिए उपोषण। तो छोड़ने की याचना, दूसरे दिन की जो याचना है मैंने ग्रुप में भेजा है, निक्की पामी करके जो याचना है, उसमें जब वो याचना करते हैं तो आप साथ में अष्टशील भी छोड़ रहे हैं और साथ में पंचशील की भी याचना हो रही है, उसको पंचशील भी आपने ग्रहण करना चाहिए। इसे सही विधिवत जो उपोषित है ये इस प्रकार से उपोषित आपका चेतना के साथ, क्योंकि छोड़ने का भी कर्म बनता है ना, कि आपका संवत पता चलता है कि हाँ यहाँ पे मैं अपना ये शील छोड़ रही हूँ, तो दूसरे दिन छोड़ना भी चाहिए शील, है ना। और तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है। अब जब हम शील सुबह उठने के पहले मतलब सूरज उगने के पहले हमारे शील ग्रहण हो गए, तो सुबह जब से सूरज उगता है, जो साधारण आज के समय में 6 बजे सूरज उगता है ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, सूरज उग गया आपके शील क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आप कभी भी भोजन कर सकते हैं, कितना भी भोजन कर सकते हैं, कितने बार भी भोजन कर सकते हैं, पर 12 बजे के बाद से आप भोजन नहीं कर सकते। अब बुद्ध के समय में समय नहीं दिया था, ठीक है, बुद्ध के समय में समय नहीं दिया गया था, तो सूरज जब सर के ऊपर आ गया तो समझ जाइए अब भोजन करने का समय खत्म हो गया, ठीक है। पर अगर संघ में है या संघ के कारण आपको देरी हो रही है, तो दो उंगली चलता है, मतलब सूरज सर से दो उंगली बाहर ऊपर इधर चढ़ जाए, ने परछाई हमसे, सूरज की जो परछाई है दो उंगली ज्यादा आ गई, तो चल जाएगा संघ के कारण देरी हो रही है, तो वरना ऐसे इंडिविजुअली अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अभी उपोषद में जो होते हैं आठ शील होते हैं, और जब भी आप शील ग्रहण करेंगे तो कोशिश कीजिए अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से ग्रहण करें, ठीक है, जैसे आपके आचार्य, आपके गुरु या भिक्षु। पहले तो पहला प्रेफरेंस तो भिक्खुनी को दीजिए, पहला प्रेफरेंस तो भिक्खु को दीजिए, फिर भिक्खुनी को, फिर आचार्य को, जो प्रेफरेंस जो होना चाहिए पद के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। फिर ग्रहण किया आपने, ग्रहण करने के बाद आपके ऊपर शुरू होता है, तो सबसे पहला जो शील होता है पानाति पाता वीरमणि, अर्थात मैं प्राणी हिंसा
नहीं करूंगा। तो प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ये तीन अंग, इसको तीन तरीके से समझना चाहिए कि मैं प्राणी हिंसा से दूर रहूंगा, ठीक है। प्राणी हिंसा मतलब प्राणी हिंसा का मन में विचार नहीं आने दूंगा, ठीक है। दूसरा, मैं ना ही किसी को प्रेरणा दूंगा प्राणी हिंसा करने के लिए, ठीक है, और ना ही मैं किसी की प्राणी हिंसा करूंगा। ये तीन तरीके से मैं शुद्ध रहूंगा। इसमें काया, वाणी और मन, तीनों तीनों बातें क्लियर हो जाती है, ठीक है। पानाति पाता मतलब किसी को अति पीड़ित नहीं करूंगा। अगर आपके अगर कोई प्राणी मर जाता है तो कर्मपथ बन जाता है, तो कर्मपथ तो कृपया बनने मत दो। अगर विचार उत्पन्न हो गया है तो उस विचार को हटा दीजिए, ठीक है। इसे परुत्थानम मतलब ये जो भी अनुशय है, ये तीन तरीके से उठते हैं। ये सबसे पहले अनुशय मतलब आपके मन में, सब कॉन्शियस मन में, अवचेतन मन में कहीं ना कहीं हिंसक विचार वगैरह होते हैं, तो उस रूप में जान नहीं सकते। पर जब ये विचार उठ रहा है, इसे परुत्थानम अवस्था कहते हैं, उस समय जान के आप इसको हटा सकते हैं। ओके, तो मैं किसी की प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ठीक है, ना मैं करूंगा, ना किसी को प्रेरणा दूंगा, और ना ही अपने मन में उत्पन्न होने दूंगा, ये तीन तरीके से। फिर दूसरा, अदिन्ना। अभी मैं अभी यहाँ पे देखिए, अक्सर लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम करते हैं वो, पानाति इति, पान इति, वो पानाति, इस प्रकार से वो दो शब्दों से मिल गया है, पाना इति मतलब मैं किसी प्राणी को, किसी भी जीव को अति पीड़ित नहीं करूंगा। क्योंकि कभी कभार हमसे, कभी कभार गलती से, मिस्टेक से किसी को तकलीफ हो सकती है, पर वो शील है इति मतलब ज्यादा प्रीत नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, किसी को ज्यादा प्रया ये नहीं करूंगा, तो उसका प्रवचन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। पानाति पाता वे रमन, फिर ठीक है। फिर अदिन्ना, कई सारे लोग बोलते हैं अदिन्न, अदिन्न दान, अदिन्न नहीं है वो, उसका हाथ गलत बनता है, वो अदिन्ना है मतलब ना दी हुई चीज जो मुझे दी ही नहीं गई हो वो नहीं लूंगा। जो आपको नहीं दी गई आप वो चीज बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे, ये होता है अधिन्ना। देखिए मैं जब भी बोलता हूँ तो अक्सर देता हूँ स्ट्रेस यहाँ पे, अधिन्ना दाना वीरमन, ठीक है। तो मैं इसको भी आप जब पालन करेंगे तो ऐसा पालन करेंगे कि मैं किसी की दी हुई चीज जो मुझे दी नहीं गई मैं उसे उसे नहीं लूंगा, है ना, उसे इस्तेमाल नहीं करूंगा, ना मैं लूंगा, ना किसी और को प्रेरणा दूंगा कि जा रहे भाई वो लेके आ, और ना ही ऐसा कृत्य करूंगा जिस उसकी चीज चली मेरे हाथों से हो जाना, मेरे मन में विचार आने दूंगा, ठीक है। फिर तीसरा, तीसरा जो है, तीसरा जो शील है यहाँ बदल जाता है, क्योंकि नॉर्मली कामेसु मिच्छा चारा होता है। अभी ये भी लोग जो प्रोनाउंस करते हैं तो कामे सुमिच्छा चारा कर देते हैं, मतलब वो कामे जो सु है वो कामे सु के साथ जुड़ना चाहिए, तो मिच्छा के साथ हम जोड़ देते हैं, मतलब मैं कामयुक्त अच्छी तरीके से विचार करूंगा, ऐसा हो जाता है। कामेसु एक वर्ड है और मिच्छा, ऐसे दो अलग वर्ड है, पर हम लोग कामे सुमिच्छा कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कामेसु मिच्छाचार मतलब कामयुक्त विचार में नहीं करूंगा, कामेसु मिच्छाचार, ऐसा वो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। पर यहाँ पे जब अश्लील लेते हैं तो वो अब्रह्मचर्य हो जाता है, मतलब हम ब्रह्मचर्या का पालन करने का, ब्रह्मचर्या जरा अलग होता है। जहाँ पे कामेसु मिच्छाचार एक सिर्फ एक शारीरिक संबंध और उसमें पराई स्त्री, इससे तात्पर्य होता है, लेकिन ब्रह्मचर्या में क्या होता है, ब्रह्मचर्या में विचार, यहाँ तक कि देखना तक किसी स्त्री को गलत तरीके से, किसी स्त्री को ये तक सीमित हो जाता है। जिस प्रकार भगवान ने आनंद को कहा था, जब आनंद ने पूछा था कि हमने स्त्रियों का कैसा व्यवहार करना चाहिए, तब आना कहते हैं अदर्शनीय, देखना तक नहीं, चलो देख लिया तो बात नहीं करना, चलो बात कर भी लिया तो ज्यादा देर तक बात नहीं करना चाहिए, और बात भी कर लिया तो सिर्फ तीन बातें करो, सिर्फ तीन शब्द इस्तेमाल करो, अनित्य दुख अनात्म, इसके अलावा ज्यादा बात मत करो। ये ब्रह्मचर्य इस तरीके से पालन करना पड़ता है, एक स्त्री ने पुरुष के प्रति और एक पुरुष ने स्त्री के प्रति, अप्रिय पुरुष के प्रति, जिस प्रकार धम्मदिना, जब धम्मदिना का पति भगवान का प्रवचन सुन के आ रहा था घर पे वापस, तो अनागामी हो गया था, वो अनागामी हो गया था, तो वो सब सोने के लिए बैठा तो पत्नी बाजू में सोती, तो पत्नी से आलिंगन करती है उसको, तब पति ऐसा हाथ उठाता है उसको और बाजू रख देता है, बोलते अभी मुझे इन बातों में रुचि नहीं आती। तो सब जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का शील ले रहे हैं, तो यहाँ तक कि अपने पति के प्रति भी समझाना चाहिए कि मेरा पति है, या इसके प्रति उसके प्रति स्वभाव, उसको भी पुरुष के रूप में जानता है कि आखिर में है भी, ये तो पुरुष ही,
पति के रूप में नहीं देखती उसको, या वो जानती कि पुरुष ही है ये, तो इससे भी मुझे सावधान रहना रहना चाहिए। इस प्रकार सोमवार और तो ऐसा ब्रह्मचर्या भी नहीं, तो ब्रह्मचर्या पालन करने का पूरा पूरा प्रयास करता है। एटलीस्ट उस दिन तो भी हमने अलग सोने का प्रयास करना चाहिए, पति ने पत्नी से और पत्नी ने पति से, ठीक है। फिर इसके बाद जो शील है वो है मूसावादा वीरमणि। तो मूसावादा जो है झूठ नहीं बोलेगा, है ना। तो झूठ अगर पता है झूठ क्या होता है ना, झूठ मतलब जब किसी चीज को छिपाने की हम कोशिश करते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो वो झूठ में आता, तो झूठ भी हम नहीं बोलेंगे उस दिन। फिर इसके अलावा सूरा, ये शील मुझे बड़ा पसंद है, सूरा मीरे मज्ज पमाद था। इसमें चार शब्द भी होते हैं और उसमें ये पमाद शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरा मेरे पी लिया तो पमाद होगा ही होगा, और पमाद कर रहे हो तो ऊपर के शील टूटेंगे टूटेंगे। याद रखिएगा जो इन सारे शीलों, जो ऊपर के चार शील है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो चार शील बिल्कुल भी नहीं टूटने चाहिए। यहाँ तक कि भिक्षु के लिए तो पराजय का माना जाता है, पर उस विषय में हम नहीं जाएंगे। ऊपर के चार शील, क्योंकि उससे कर्म पर बड़ा गंभीर बनता है, ऊपर के चार शीलों से। नीचे के शील से तो उतना गंभीर कर्म नहीं बनते हैं जितना ऊपर के ये जो चार शील है, पाणतिपाता, दीनदाना, कामेष्मी, ब्रह्मचर्य या फिर मूसावादा, इन चार शीलों से बड़ा गंभीर कर्मपत बन जाता है, बड़ा हानिकारक। तो ये चार शील ना टूटे इसलिए पंचशील में पांचवा शील दिया, क्योंकि अगर पांचवा शील टूट गया तो ऊपर के चारों के चारों शील टूटने टूटने हैं। अगर पंचशील के आधार पर समझेंगे तो भगवान ने ऐसा भी कहा है, ये पंचशील एक तरीके से ये पांच मड़के समान है ना, और जो पांच मड़के ही एक के ऊपर एक रखे हुए है ना। अभी उसमें सबसे ऊपर कौन सा मड़का है, पाणतिपाता, फिर अदिन्नदाना, फिर कामेष्मिचारा, फिर तीसरा कौन सा है, मूसावादा, और पांचवा कौन सा है, सूरामेरे। अभी एक डंडा लीजिए, अभी एक के ऊपर एक रखे हुए मड़के समान है। अभी डंडा लिया और डंडा लेके मैंने ऊपर का मड़का फूटा, तो ऊपर का मड़का फूटा तो भी कहना कि कोई गारंटी रहेंगे कि भाई के चार मड़के क्या है, सेफ है। लेकिन अगर मैंने सेकंड नंबर का मड़का फोड़ा तो पूरी गारंटी है कि सेकंड नंबर का फोड़ा तो ऊपर का ही फूटेगा फूटेगा, पर तीन मड़के सेफ रहेंगे। मैंने तीसरे नंबर का मड़का फोड़ा तो चलो थोड़ी बहुत गारंटी है कि ऊपर के तीन मड़के साथ में फूट जाएंगे, पर नीचे के दो मड़के बचे रहेंगे। लेकिन अगर गलती से मेरा नीचे का मड़का फूट गया या मैंने फोड़ दिया तो ऊपर के चारों मड़के फूटने फूटने। तो देखो ये सूरा मेरे का इतना खतरनाक शील, अगर ये टूटा तो ऊपर के पांचों मड़के टूटने टूटने। इसलिए ऊपर के चार शील स्ट्रांग करने के लिए, आखिर में इंपॉर्टेंट कौन थे, ऊपर के चार शील है, तो ऊपर के चार शील स्ट्रांग करने के लिए इस शील को दे दिया सपोर्टिव, कि ये शील आपके क्या रहे, स्ट्रांग रहे। और अगर किसी ने विशाखा सूत्र में पढ़ा हुआ तो बताए शराब पीने की कितने हानियां होते हैं, तो इसलिए। और अष्टशील में और तीन शील जुड़ जाते हैं, तो तीन शील भी ऊपर के चार शीलों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही दिए हैं, और आपके संवर को और बढ़ाने के लिए, आपके संवर को और मजबूत करने के लिए नीचे में और तीन शील ऐड हो गए हैं। तो कौन थे वो शील है, वो शील है विकाल भोजना। विकाल भोजना मतलब 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना। विकाल भोजन मतलब सिर्फ 12 बजे के बाद भोजन करना नहीं होता है, विकाल भोजन का एक भी अर्थ ऐसा अर्थ होता है कि बेसमय किसी भी समय उठा के कुछ भी दिख गया खा लो, ये भी होता है। क्योंकि कभी कभार तो हमें कुछ भी दिख गया और हमने खा लिया तो वो भी हमारे अधीनम में आ सकता है, तो हमारा अधीनम ना टूटे, ठीक है। और कभी भी किसी भी समय खाने से क्या होता है, जो हमारी कामुकता है वो भी बढ़ने की संभावना रहती है। खाने पर संयम नहीं रहेगा तो हमारी कामुकता भी संयम नहीं रहता है, हमारी इंद्रिया क्या हो जाती है, असीमित हो जाती है। इस प्रकार धम्मपद ने कहा भी है, इंद्रियेषु भोजनामि चामत्तयं कुसितं हिन वीर्यं तं वे पश्यति मारो वातरुक्षं मधुबलं, है ना। शुभानुपस्सी वीरतं इंद्रियेषु असुवितं, है ना, भोजनामि चामत्तयं। तो जिसने गाथा पढ़ी होंगी उसको समझ जाएगा कि ये जो विकाल भोजन है और ये जो नच्चगीत वादित विसुक्त दर्शनं है, और ये जो तो ये जो ये जो ये जो दो शील है ये कमजोर हो जाते हैं, ये दो शीलों से रहते हैं ऊपर के भी शील कमजोर हो जाते हैं। जैसे कि अगर समझिए आप कभी भी किसी भी समय खा रहे हैं तो आपके जो पूरा भूख जो है वो इम्बेलेंस हो जाती है, जो भूख की जो ताकत है वो क्या जाती है, मतलब आपके हॉर्मोन्स कभी भी भूख, क्योंकि हमें जो भूख लग रही है वो पेट खाली इसलिए भूख नहीं लग रही है, भूख के लिए भी एक पर्टिकुलर हमारे माइंड से या हमारे पेट में एक हॉर्मोन रिलीज होता है
जिससे हमारे ब्रेन, क्योंकि हमारे हमारे स्टमक में भी कुछ हॉर्मोन्स है, कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, कुछ न्यूरोन्स हमारे ब्रेन में जो हमारे माइंड को अलर्ट करते हैं कि अभी भाई भूख लगी, भूख लगी। समझ जाइए, अगर आपका समय खाना खा आपका खाना खाने का समय समझ जाइए 1 बजे का है ना, और आपने दिन में कम का और 1 बजे का आपका खाना खाने का है, तो भले ही आपने अभी क्यों ना खाना खाया होगा 2 घंटे पहले, है ना, पर 1 बजे पर फिर से आपका जो हार्मोन है वो ट्रिगर करेंगे, कि आपकी बॉडी की अपनी क्लॉक होती है, वो बराबर उस समय 1 बजे हार्मोन रिलीज करेंगे, आपको थोड़ी सी थोड़ी भूख लगी लगेंगी लगेंगी, कुछ ना कुछ खाने का मन होंगे होगा, आपको सलाइवा है, सलाइवा थोड़ा थोड़ा सीक्रेट होता है, जो थूका है या सलाइवरी ग्लैंड होता है वो थोड़ा थोड़ा रिलीज होगा ही होगा, तो जो आपकी इंद्रिया है, जो हॉर्मोन्स है वो क्या होते हैं, इम्बेलेंस हो जाते हैं, इंद्रिया का संवर क्या ज्यादा डगमगा जाता है, तो इस प्रकार ये हॉर्मोन अगर आपकी इंद्रिया असमूथ हो गए तो कोई ना कुशल कर्म आपका चित्त दूषित हो ही सकता है। तो भोजन पे संयम रखने के लिए ही है ना, भोजन भोजन संयमित रहेगा तो हमारे इंद्रिया क्या रहेंगे, संयमित रहेंगे, और इंद्रिया संयमित रहेंगे तो हमारे शील भी क्या रहेंगे, संयमित रहेंगे। यहाँ तक कि मृदुल प्रश्न में भी कहा गया है कि जितने भी अकुशल कर्म है ये सारा भूख पे संयम ना होने के कारण है, सिर्फ मतलब बिना जितने भी अकुशल कर्म है ये सारे अकुशल कर्म की जड़ जो है भूख है, जितने भी गलत काम होंगे चाहे रेप हो चाहे लूट हो या कुछ कोई भी हो, किसी को पैसों की भूख है, किसी को हवस की भूख है, किसी को प्यार की भूख है, किसी को ईर्ष्या की भूख, ये भूख पे संयम ना होने के कारण ही ये सारे पाप कर्म घट रहे, तो इसलिए भूख पे अगर संयम हो गया तो आपका इंद्रिय पे संयम हो जाएगा, और इंद्रिय पे संयम हो गया तो आप एक विशाल पहाड़ के समान हो जाएंगे, जितना भी हवा धुन क्यों ना है आप कोई डगमगा नहीं पाएंगे, तो इसलिए भूख पे संयम होना बहुत आवश्यक है। जो भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले भूख पे संयमित हो जाए, यहाँ तक कि बृहद प्रश्न में भी भगवान ने एक जगह पे कहा है कि भिक्षु अगर तुम निर्वाण प्राप्त करना है तो अपनी मात्रा जान के खाओ, बार बार हमें त्रिपिटक में ये वचन मिलेंगे कि जिसको अपनी मात्रा का ज्ञान है उसके निर्वाण का रास्ता सरल है, तो जब आप ये शील धारण करते तो कहीं ना कहीं आप अपनी भोजन की मात्रा को जानने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं आज अमावस्या आज पूर्णिमा है मैं ज्यादा खाना खा लेता हूँ क्योंकि शाम को भूखा रहना, अगर ऐसा जान के भी आप खाना कर रहे हैं तो आपका शीला भंग हो रहा है, आज पूर्णिमा है आज शाम को खाने नहीं मिलेगा तो भी ज्यादा खा लेता हूँ, नहीं, जो मात्रा है उतनी ही मात्रा खा, और उतनी मात्रा ज्यादा खा रहे या स्वादिष्ट जान के ज्यादा खा रहे तो शील आपका वहां पे क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, टूट जाएगा, मात्रा जान के खानी है, ठीक है, वो ऐसा नहीं अच्छा दिखा ज्यादा खाओगे ऐसा नहीं, तो भोजन पर संयम होने से भी आपके शील और क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, आपकी इंद्रिया संयमित रहती है वरना इंद्रिया चंचल हो जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा उस बात जो शील है नच्चगीत वादित विश्व का दर्शन माला गंध विले अपना धारा मंडना, मतलब ना आप नाच गाना देखेंगे ना सुनेंगे ना उसमें आनंद मनाएंगे, और ना ही लिपा पोती पुटिंग है ना मेकअप मैने के और पेडिक्योर ये सब भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये सब कर रहे हैं तो आप शुभ विहारी हो रहे हैं, और शुभ शुभ विहारी हो रहे हैं मतलब अनित्य अनित्य संज्ञा नहीं समझ पा रहे, आपको अनित्य बोध जाग नहीं पा रहा, आपको अशुभ भावना जाग नहीं पा रहे, और शुभ विहारी हो रहे शुभ शुभ देख रहे हैं कि मैं अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, मैं अच्छा गाना सुनना चाहिए, गाना कितना अच्छा है, ऐसे शुभ विहारी होने कारण आपके जो अंदर के जो आसक्ति के भाव है जो आसक्ति के अनुशय है वो और बढ़ जाते हैं, और इससे कारण आप फिर से क्या हो सकते हैं, असमीर हो सकते हैं, आप बहिर्मुखी हो जाएंगे, बाहर देखने वाले हो जाएंगे, अपने अंदर नहीं देख पाएंगे, और अनित्य बोध भी आपका और धुंधला धुंधला हो जाएगा, है ना, और आपका मन असीमित हो जाएगा, चंचल हो जाएगा इस शील के कारण, तो ऐसा ना हो इसलिए भी ये शील यहाँ पे दिया है आपको, ठीक है, इसलिए भी आप इस दिन क्या होते हैं लिपा पोती नहीं करते हैं, मतलब वो पुटिंग वगैरह लगाते नहीं है मीनिक और पेडिकोर आप जो मेकअप किट है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, इससे आप दूर रहते हैं, है ना, क्योंकि आपका संवर बना रहे, आप शुभ व्ययी ना हो, आप वो जीवन के सादगी है ना सिंप्लिसिटी है ना वो नित्य संघा वो निर्वेद का बोध जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे प्रथम बोध होता है निर्वाण के प्रथम जानने का निर्वेद बोध आपने जाग सके, सादगी का बोध जाग सके उस दिन के तो भी एक दिन के तो भी, क्योंकि एक समय का निर्बोध बोध निर्वेद का बोध भी बहुत श्रेष्ठ होता है, भगवान ने भी कहा है ना अपने 4 स्थानों के बारे में, क्योंकि मेरा जो 4 स्थान देखता है उस निर्वेद बोध जाग सकता है, तो निर्वेद बोध काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उस एक दिन के जीवन से भी आप निर्वेद बोध जाग सकता है अगर ठीक प्रकार से शीलों का युक्त आपने जीवन जिया तो,
क्योंकि जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस लुक को देख के आपने कहीं ना कहीं लुकिज्म है ना, या जो अनुराग है वो जाग जाता है। तो किसी को अपने चश्कों के प्रति आसक्ति जाग सकती है। और मैंने पिछले सूत्र में पढ़ाया भी आपको आदित्य पर्याय सूत्र, कि किस प्रकार हमें हमें चश्कों को भी लेके, चश्कु विज्ञान को भी लेके, चश्कु स्पर्श को भी लेके, और रूप को भी लेके, हर एक को लेके अनित्य बोध अनात्म बोध जगाना पड़ता है। जब अपने आपको आईने में देख रहे हो, आईने में देखते हुए अपने ऊपर का मेकअप ठीक कर रहे हैं, अपने बाल ठीक कर रहे हैं, तो आप वो अनित्य बोध नहीं जाग पाएंगे आपका, और उनके प्रति राग आसक्ति तन्हा और बढ़ते जाएंगे, उपादान और बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए उस दिन तो भी आप अपने आप को जैसा है सादगा है सादगी में रखने का प्रयास करते हैं सादे तरीके से। तो इसलिए ये शील स्ट्रॉन्ग करता है आपके सोमवार को। और फिर उसके बाद है उच्चा सेना महासेना। उच्चा सेना महासेना मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपके घर में देखिए मूर्ति किस स्थान पर रखी गई, उससे ऊपर का स्थान तो आप बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर सकते, और इसके ऊपर इतना जो है इसके ऊपर आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते, ये इतना जो होता है इसके ऊपर आप नहीं बैठ सकते, ठीक है। पर अगर आप ये है ऑफिस वगैरह में है तो, या गाड़ी वगैरह पे आप बैठ सकते हो, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। ये देखिए, अगर जहां पे आपके पास चॉइस नहीं, आपको करना ही पड़ेगा मजबूरन, वहां पे आपका शील नहीं टूटता। पर जहां पे चॉइस है, चॉइस होने पर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो आपका शील वो टूटता है। उच्चा सेना में आप जो एकदम आरामदायी आसानी लेते हैं, नीचे ही सोते हैं नीचे ही बैठते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, तो इस प्रकार ये आठ शीलों का क्या करते हैं आप पालन करते, और इस प्रकार से इसको अष्टांग उपोषद कहा जाता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस एक दिन के उपोषद से भी आपको सुगति का लाभ हो सकता है, इस एक दिन के उपोषद से भी। अरे आधे दिन के उपोषद से भी लाभ होता है, क्योंकि भगवान एक जातक कथा मिलती है, वहां पर उस व्यक्ति ने किसी और के कहने पे सिर्फ उपोषद पालन किया था, आधे दिन किया था, क्योंकि वो कोतवाल था कहीं तो भी, तो कोतवाल या सॉरी कोतवाल बोलते वो नहीं, क्या पैसों का हिसाब वगैरह रखता है वो, एक एक, एक राजमहल में वो था वो। तो वहां पे क्या उसका आधे दिन का, उसने आधा दिन उपोषित किया, और फिर आधा दिन अच्छे प्रकार से उपोषित करने के बाद उसके बाद उसने क्या कर दिया, करप्शन किया। तो जब उसकी दुर्गति हुई, दुर्गति होने के बाद असुर योनि में गया। असुर योनि में क्या रहता था, दिन भर वो क्या रहेगा, असुर बन के रहेगा, और रात भर देवता समान सुख भोगता था। तो उसी प्रकार आधा पुण्य और आधे पाप के कारण, तो जो उसने आधे दिन का जो शील पालन किया था उसके कारण वो रात भर क्या रहेगा, दिन भर क्या रहेगा, देवता रहेगा, मस्त सारा देवताओं को सुख भोगेगा, और रात होते बराबर फिर से क्या बन जाएगा, असुर। इतना खतरनाक असुर बनेगा कि इतने बड़े बड़े नाखून हो जाएंगे, और उन्हीं नाखून से अपना मांस, पीठ का मांस नोचेगा, नोच के खाएंगे। इतनी बेकार अवस्था हुई थी कि शील की अवस्था में, धारण की हुई शील की अवस्था में उसने क्या किया था, दूषित कर्म किए थे उस कर्म के हिसाब से। यहाँ तक कि हमें अनाथ पिंडिका का भी जो एक दास था, उसके अनाथ पिंडिका के घर में क्या सब लोगों ने उपोषित पालन किया था उस दिन, तो कुछ खाना नहीं था, तो दास के लिए खाना नहीं बचा था। अनाथ पिंडिका ने बोला कि आज उपोषित है इसलिए हमारे घर में खाना ही नहीं बना, पर तुम्हारे लिए हम अलग से खाना बना के दे सकते हैं। तब वो बोलता है कि अरे आप सब लोग उपोषित पालन कर रहे हैं, तो चलो मैं भी क्या करूंगा, आज उपोषित पालन कर लूंगा। तो वो पूरा एक दिन क्या करता है, उपोषित पालन करता है। तो उस उपोषित के प्रताप से उसे क्या होती है, देवयोनि प्राप्त होती है। और भगवान बुद्ध इसका लाभ बताते हुए बताते हैं कि विशाखे जो होता है इस मनुष्य जीवन में, तो भी मनुष्य के 50 वर्ष मतलब चतुर्महाराजिक देवताओं का एक दिन होता है, एक दिन होता है। इस प्रकार से उनकी जो आयु होती है 500 दिव्य वर्ष आयु होती है, मतलब इधर हमारा एक, हमारे 50 साल मतलब उनका एक दिव्य दिन। इस प्रकार से उनकी जो आयु होती है चतुर्महाराजिक देवताओं की 500 दिव्य वर्ष, दिव्य वर्ष जिसके हिसाब से एक दिन क्या होता है हमारा 50 वर्ष, तो एक दिन उनका, तो हमारे 50 वर्ष मतलब एक दिन चतुर्महाराज जी का देवता। तो देखो तुम्हें एक दिन के इस पुण्य, एक दिन के इस उपोषित कर्म से वो चतुर्महाराज जी देवता प्राप्त हो सकता है, देवलोक प्राप्त हो सकता है। और ये छोड़ो, अगर तुम तावंतिसा देवलोक में उत्पन्न हो गई, तो मनुष्य के 100 वर्ष तो तावंतिसा देवताओं का एक दिन होता है। इसके हिसाब से उनका 1000 दिव्य वर्ष क्या होती है, आयु होती है। इसके अलावा मनुष्य के 200 वर्ष, मनुष्य के 200 वर्ष मतलब यामा देवताओं के एक दिन,
इसके मुताबिक उनके 2000 दिव्य वर्ष आयु होती है। दिव्य वर्ष, दिव्य वर्ष मतलब हमारा 200, मतलब यामा के हिसाब से हमारे 200 वर्ष मतलब उनका एक दिव्य दिन। इस प्रकार से ऐसे कुल मिला के आप देख सकते हैं उनका 2000 दिव्य वर्ष। उसी प्रकार तुषिता जो देवलोक है, जहाँ पे बोधिसत्व की मतलब जो बुद्ध की जो माँ है, जहाँ पे उत्पन्न होती है तुषिता में, है ना, जितने बोधिसत्व होते हैं जो तुषित देवलोक में होते हैं, तो उस प्रकार से हमारे 400 वर्ष मतलब तुषित देवलोक का एक दिव्य दिन और रात, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो आयु होती है 4000 दिव्य वर्ष। इसके अलावा जो निम्नानति जो होते हैं, है ना, जहाँ पे यम रहता है, सॉरी जहाँ पे मार रहता है, उसके हिसाब से हमारे 800 वर्ष उनका एक दिन रात। इस प्रकार से उनका 8000 दिव्य वर्ष आयु होता है। और इसके अलावा हमारे 1600 वर्ष तो परिनिमित वसवरी देवता के एक क्या होता है, दिन, एक दिन होता है। तो इसके हिसाब से उनके 16000 दिव्य वर्ष क्या होती है, आयु होती है। और मुझे पर्टिकुलर याद नहीं कि मार कहाँ रहता है, वो निम्मान नदी देवलोक में रहता है या शायद से परिनिमित वसवरी देवलोक में रहता है, दोनों में से किसी एक लोक में वो रहता है। तो इस प्रकार से तो हमारा एक दिन का जो उपोषित कर्म है उसका इतना प्रताप है विशाखे, कि उसके प्रताप से हमारा मृत्यु के समय जिस से मैत्री हो गई, जिस देवलोक से मैत्री हो गई, उस देवलोक में हमारे क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो इतना क्या होता है, उस उपोषित कर्म का लाभ होता है। इसलिए हमने बिना प्रमाद किए, अगर हम उपोषित कर्म नहीं कर रहे उपोषित के दिन, तो इसको ऐसा जानना चाहिए कि हमारा ही प्रमाद है, हमारा ही आलस्य है, हमारे ठीक प्राण संवर नहीं, क्योंकि हम इसके लाभ नहीं देख पा रहे। जब इतना लाभ होने पर भी, यही लोक लाभ और परलोक दोनों ही लाभ होने पर भी अगर हम उपोषित कर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ। अरे इस उपोषित कर्म से लोगों को, एक एक लोगों को कितना लाभ हुआ है, सुगति प्राप्त हुई है, बड़ा बड़ा धन ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, लोग उस नगर के, नगर की रानी हुए, नगर श्रेष्ठ हुए इस उपोषित कर्म से। तो इतना लाभ जानने पर भी अगर हम उपोषित कर्म नहीं कर रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, हमारी हानि हुई। और इसके अलावा साइंटिफिक लाभ देखिए, तो आपको पता होना चाहिए चंद जो पूर्णिमा को होता है, चांद पूरा फुल, ऐसे फुल तो रोज रहता है, पर उसका जो लाइट है वो पूरा फुल होने के कारण पृथ्वी स्थल का जो पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, जो वाटर फ्लो है वो जो है उसका बहुत ही बढ़ जाता है। उसके कारण हमारे बॉडी में भी जो तरल पदार्थ तो होते हैं, उससे कारण उस पर भी उसका क्या गिरता है, इम्पैक्ट गिरता है, उसकी वेव, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका प्रेशर जो होता है, उसका जो मास है, उसका हमारे बॉडी पे भी इम्पैक्ट गिरता है। तो हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह, तो आप देखो मुंह से जो हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर बढ़ना कम ज्यादा जो होते हैं ना, ये पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। तो इसलिए एटलीस्ट इस पूर्णिमा के दिन तो भी, अमावस्या के दिन तो भी, कम से कम अपने बच्चों को रात को पेट भर खिला के नहीं सोना चाहिए, आधा पेटी खाइए बच्चों को, क्योंकि हमारे ब्लड पे, हमारे हार्ट, हमारे बीपी वगैरह पे, हमारे हार्ट रेट पे सारा गिरता है, इम्पैक्ट गिरता है। तो इसके साइंटिफिक भी कई सारे लाभ है रात को ना खाने के, क्योंकि आप देखिए, देखिए हम दिन का खाना छोड़ सकते हैं, दिन का खाना अगर हम कभी नहीं भी खाया तो पता नहीं चलता, पर रात का खाना छोड़ना बहुत कठिन होता है। और इसलिए अगर रात का खाने में संयम आ गया तो हमारे संयम शक्ति, संवर शक्ति और बढ़ जाती है ना, है ना। और ये जो है कि देखिए अलाली क्या होती है, कि सदा खाने खाना खाने पर भी आती है और नहीं खाना खाने पर भी आती है ना। तो उपोषित में जब उपोषित का पालन करते, तो ऊर्जा का जो स्रोत है वो भोजन न होते हुए हमारा श्रद्धा बल, हमारा वीर्य बल, हमारा छंद बल होता है। तो इसके कारण हमारे जो अधिपत्य बल है वो भी क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसलिए भी हमें उपोषित करना चाहिए। और जो कोई उपोषित करता है उसकी इच्छा शक्ति भी क्या होती है, प्रबल होती है। इसलिए भी हमने क्या करना चाहिए, उपोषित का धारण करना चाहिए, उपोषित का पालन करना चाहिए। आशा करते हैं आप सभी को समझा होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु 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 साधु। हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझाए भंती जी आपने उपोषद का। वंदनी शुक्रिया। पक्का समझा? वंदनी भंती जी, वंदामी बनते मंगल। वंदनी इस तो कोई प्रश्न भंती नहीं है? जी,
प्लीज जाइएगा मत, आप सभी ने जो दान किया है उसका पुण्य अनुमोदन करना है, क्योंकि मुझे वो मिल चुका है। इसके अलावा जो भोजन दान होगा, तो जो भोजन दान होगा उस समय भी जो हमारे बड़े बनते हैं उनके द्वारा भी आपको अनुमोदन होगा, मंगल हो तो आपको सालवे जी उस दिन भी लिंक भेज देंगे, एक दिन पहले आपको अलर्ट कर देंगे। पर आज जो दान प्राप्त हुआ है उसका भी मुझे अनुमोदन करना है, तो प्लीज जाइएगा मत, होने के बाद हम करेंगे। एक प्रश्न है। नहीं, आपके लिए कोई प्रश्न नहीं है। पूछू? या वंदामे बंदे जी, एक्चुअली उपोषण धारण करने के दिन अगर बाय चांस कभी अकुशल आ गया मन में, धारण तो पूरा किया बॉडीली बट मन में आ गया बिकॉज ऑफ प्रीवियस हैबिट्स, और तो फिर कुछ और ऐसे ध्यान व्यान करना चाहिए जिससे वो चला जाए? देखिए कैसा है कि जो शील होते हैं, शील में जो होते हैं, जो मुंह से जो बातें कवर होती है वो काया और वाणी के ही होते हैं, तो मन में आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओनली हमारे अनुशय जो है, हमारे इसमें अनुशय के रूप में होते हैं मौजूद, पर अनुशय के रूप में हम देख नहीं सकते, हमारे उतनी प्रज्ञा नहीं होती है। तो मुझसे कब देख सकते हैं? परुत्थान, मतलब जब वो उठने वाली अवस्था में आते हैं, तो आपने तब देख लिया, आपके मन में आपने हटा दिया, तो दैट्स बेट, आपका कर्म नहीं बनता है, वो कृति कर्म नहीं बनता है। तो अभी प्रश्न है कि वो हटाए कैसे, तो मैंने बताया है आपको अपने व्यापार पहान में, आप देखिए उस सूत्र में एक्सप्लेन किया कि कैसे हटाना चाहिए। अगर व्यापार वाले विचार है, क्रोध वाले विचार है, तो उस सूत्र में आप देखिए, लोभ वाले विचार है, लोभ वाले विचार है तो फिर उस चीज का त्याग से ही होना है ना। जैसे लोभ वाले विचार होते हैं, जैसे लेडीज में मोस्टली होते हैं कि हमें ज्यादा ड्रेसेस चाहिए, ज्यादा ये चाहिए वो चाहिए, तो वो वाले ऐसे टाइप के। हाँ, तो अशुभ भावना, अशुभ भावना, अगर आपको ड्रेस इच्छा हो रही है, कोई ड्रेस अच्छी खरीदने की इच्छा हो रही है, तो आप ऐसा भी विचार कर सकते हैं कि मैं लूंगी उसे, मैं लूंगा या लूंगी उस ड्रेस को, कि दिन पे लूंगी, एक दिन, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, आखिर में फिर वैसे पड़ा रहेगा। ये अच्छा, मैं भाई दान कर लेती हूँ, पुण्य कर लेता हूँ, तो कम से कम पुण्य मेरे पास तो रहेगा। देखिए एक बात है, मैं पहले जब था, कई बार अपने प्रवचन में कहा भी है कि हम एक महंगा ड्रेस खरीदते हैं, महंगा ड्रेस खरीदने में हम एक बार पहनते हैं, दो बार पहनते हैं, तीन चार बार, एक साल, दो साल बाद वो क्या होता है, पुराना हो जाता है। और पुराना होने के बाद हम उस ड्रेस को देखते हैं, तो हमारे मन में ऐसा विचार आता है, यार अगर मैंने उतने पैसे बचा लेते तो आज किसी और काम में काम आ गए रहते। पर पुण्य उससे बिल्कुल विपरीत है, पुण्य को एक साल भी हो जाए, दो साल भी, 10 साल भी हो जाए, पुण्य कभी पुराना नहीं होता है। पुण्य को जब भी याद करते तब भी मन में आनंद भर जाता है, अरे यार ये पुण्य मैंने किया, ये पुण्य मेरे द्वारा हुआ है। तो पुण्य के बारे में ऐसा होता है कि इधन अनंति पिछनती कर्तव्य योगती, कि पुण्य करने वाला यह भी प्रसन्न होता है मरने के बाद, और जब जब याद करता है तब तब उससे प्रसन्नता होती है। तो जब उस चीज को लेकर आपको लेने की इच्छा हो, तो ऐसा मन में विचार कर देगी, चलो यार मैं वही पैसे से पुण्य करूंगा तो मेरे पास वो जीवन भर रहेंगे, पर ये ड्रेस ये वस्तु आज तो पुरानी हो जाएंगे, मुझे पछतावा होगा। तो उसकी जो नेगेटिव बातें वो उस चीज को लेके याद कीजिए, तो ऑफ कोर्स हो सकता है। जो आपने अभिन्न दाना के बारे में बताया है, तो हम लेडीज खुद बनाते हैं, सबको देते हैं, तो हम फिर तो अपने हाथ से ही घर में लेंगे ना, तो थोड़ा बताइए ना। और चुरा मेरे में भी कौन सी चीजें है वो भी बता दीजिए, चाय, दूध। ये जो शीलों के जो अंग है ना, ये कैसे शील बहुत, एक एक शील बहुत लंबा विषय है, एक एक शील के कैसे शीलों के अंग भी होते हैं, शीलों के कैसे हर शीलों के अंग होते हैं। जब तक वो अंग पूरे नहीं होंगे तब तक वो कर्म नहीं बनता, और कर्म पथ नहीं बनता, कर्म में अलग होता है, कर्म पथ में अलग होता है। जब कोई शील टूट के उसका कर्म पथ बनता है, कर्म पथ बनने पर उसका विपाक निश्चित होता है। अगर कर्म पथ नहीं हुआ तो निश्चित पक्का नहीं रहता होता है, पर कर्म पथ बन गया तो विपाक निश्चित होगा। तो शील के अंग वगैरह हम वो उसकी एक लेक्चर सीरीज लेंगे, इसमें एक एक शील पे शीलों के अंगों सहित हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको हम किसी और दिन समझाएंगे। और जहां तक है बात अधिन्ना दाना की, जो महिला है जो बनाते हैं देते हैं, तो जो उनको सौंप दिया गया है, जो उनके अंडर में है ना, उसके द्वारा कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होता है जो उनके अंडर में है। मतलब हाथ से लेके कुछ खाओ और वो
नहीं तो उनके द्वारा बनाया गया है ना, उनके द्वारा बनाया गया और वो 12 के पहले खा रहे, अगर वो उनके लिए बनाया गया है समझो, किसी और के घर में जाके खा रहे हैं, किसी और के घर में बिना पूछे जाके खा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। खुद के घर में सुबह बनाते हुए पता है कि भाई हम इसमें मेरा भी हिस्सा है, सुबह पता है कि मेरा घर इसमें मेरा भी हिस्सा है, ये अपना ही है, ये ऐसा जानते बनाइए कि हाँ ये मेरे लिए बना रही हूँ मैं 12 के बाद, पर 12 के बाद मेरा नहीं बनेगा इसमें खाने के लिए। गेस्ट भी गए हैं, खुद पकाया है, खुद बनाया है, खुद रेसिपी सब खुद दिया है और खुद हाथ से खा रहे हैं। प्रॉपर नहीं आया मुझे, दो मोबाइल है तो एक मोबाइल बंद कर दीजिए, बहुत आवाज आ रहा है। कुछ भी हेलो, हाँ वंदना जी बोलिए, मुझे सुनाई नहीं आ रहा। हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ वंदना मी भंती जी, भंती जी मुझे ये पूछना था, जब हम उपवासत लेते हैं और ये जैसे नच गीता वादिता विशुक दर्शन माला गंधा विलेपन धारा, ये जो शील है भंती जी, जब हम ये शील लेते हैं तब हम तो गाने गाने वगैरह नहीं सुनते, लेकिन सपोज अगर आजू बाजू में कोई फंक्शन रहा और वहाँ पे हल्दी का वगैरह जो फंक्शन रहता है और जोर जोर से डीजे वगैरह बजते है, उसी दिन ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो उस समय कैसे करें? उस समय आपको अलर्ट होना है, आपके मन को अभी बहने नहीं देना है, आपको समझाना है कि आपको अपने मन को समझाना है कि मेरा मन उसमें आनंदित ना हो, मेरा मन उसमें अनुरक्त ना हो, उसमें से आपको निर्वेद भाव उत्पन्न करना, उसमें उसके दुर्गुण याद करने, उस समय की आपके मन को हटाना पड़ा सीखना पड़ेगा आपको, उसका आपका मन उसमें नाश्ता नहीं करना चाहिए। वैसे जैसे रात के समय भी जब यानी हम मेडिटेशन वगैरह करने को बैठते उपवासत के दिन, तो वो उनका तो चालू ही रहता, तो उस समय मेडिटेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आती है बंती जी, तो वही चित्त एकाग्र उस समय भावना कीजिए, जो है ना वो भावना, मतलब जो आंखें बंद करके ध्यान हम किसी एक आलम करने की कोशिश करते हैं, वो ना करते हुए बुद्धि संघर्ष सती सबको सती करके उसका स्मरण करते हुए। अच्छा अच्छा ठीक है। और बंती जी जब जो जो उपवासत के दिन जो मैं वगैरह सूत्र वगैरह भी सुनती हूँ, जैसे करणीय मेत्ता सूत्र रतन सूत्र वगैरह मैं लगाती हूँ, लेकिन जो यानी मैं कभी भी पढ़ती भी हूँ या कभी जो अभी यूट्यूब पे ऑनलाइन जो पावा वगैरह जो है उन्होंने जो यानी सिंगिंग के थ्रू उनके जो सूत्र है वो वहाँ पे डाले हैं उन्होंने, तो कभी वैसा सुनना उपवासत के दिन सही है कि गलत है भंते जी? देखिए श्रद्धा चित्त उत्पन्न हो रहा है तो अच्छा है, पर उसमें कैसा है इंस्ट्रूमेंट्स अगर होंगे तो ट्राई टू अवॉइड, ऐसा गाया जा रहा है तो ठीक है, अगर उसमें इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि हम लोग इतने संवर नहीं हो पाए ना, राइट है ना, तो ट्राई टू अगर इंस्ट्रूमेंट होंगे तो अवॉइड कीजिए, बाकी श्रद्धा चित्त उत्पन्न होगी तो ठीक है, श्रद्धा उत्पन्न होती है तो उसमें कोई हानि नहीं है, है ना, वैसे चल जाते हैं चैंटिंग वगैरह चल जाते हैं, पर ट्राई टू अवॉइड इंस्ट्रूमेंट फॉर उस दिन के स्पेशल। पंदामी बंती जी मंगलो, पंदामी बंती जी मंगलो मंगलो बोला ना कौन, ये मेरे को ये पूछना है, अष्टशील जब अपन उपवास के दिन ग्रहण करते हैं, अगर भंती जी नहीं है आचार्य नहीं है तो क्या करना है? स्वयं, अच्छी बात, थैंक यू। इधर कोई बंदा भी बनते जी, रश्मि बोल रही हूँ। हाँ रश्मि जी बोल रही हूँ। I'm very happy. मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नो डाउट्स नो क्वेश्चन। अब मैं जल्द से जल्द अगर सर वीडियो अपलोड करेंगे तो मैं बहुत लोगों को फॉरवर्ड कर सकूंगी। कहीं कुछ गलती नहीं होगी हमसे बता सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं आपको बता नहीं सकती। और इनफैक्ट पता है अभी मन में एक भाव आया कि कल मेरा जन्मदिन है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उपवासत पकड़ू। साधु साधु, और जन्मदिन से याद आया कि आज हमारे जो कमाल किशोर जी है इनका भी जन्मदिन है, तो इनके लिए आज हम सभी मंगल कामना करेंगे, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं ईश्वर के भाई है।
बहन है एक दूसरे की। उपोषद के साथ दान धर्म भी कीजिए, भिक्षु को बुलाइए। हाँ वो भी अच्छा है। तो मैं एक बात आज बोलना चाहूंगा कि देखिए आज हम सब लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं, हम सभी का एक दूसरे जो मन लग रहा है या एक दूसरे विश्वास बैठ रहा है, तो इस समय एक भिक्षु परिवार के रूप में लीजिए, एक भिक्षुनी परिवार के रूप में लीजिए। हमारे जन्मों से परिवार के रूप में हम लोग बंधे होते हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे इसलिए यहाँ पे आके जुड़ते हैं, एक दूसरे की बात में भाती है। तो हम आज के ना के कमाल किशोर जी का जन्मदिन है, हम सभी उनको अपनी मंगल कामना देंगे, मंगल मित्र देंगे, उनके जो सभी सारे सम्यक संकल्प है वो पूर्ण हो। और कल रश्मि जी, कल तो मैं नहीं रहूंगा क्लास में, तो मैं आज ही आपको और हमारा पूरा जो परिवार है आप सभी को आज ही आपको मंगल कामना देता है। आपको जो भी सम्यक संकल्प है वो अच्छी प्रकार से पूर्ण हो, और आप दोनों को इस बुद्ध शासन में या आने वाले बुद्ध शासन में निर्वाण प्राप्त हो। साधु 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 साधु। स्टार्टिंग पासून म्हणजे मी पण ऐकून सांगते नाही का, व्हॉट्सअप वर ना तिथे बसले ते लता। 31 श्लोक का आहे, 32 का नाही, याबद्दल भगवंतांनी काही सांगितले आहे का? प्रश्न विचारणाऱ्याचा कारण हे कि सायंटिफिक दृष्टीने इथे लिमिट लागत आहे असे दिसत आहे, पण वंडरफुल वर्ल्ड इनफायनाईट आहे काइंडली। नाही नाही बघा, भलेही लोक 31 असतील, जो लोक है वो कॉन्शियसनेस के अल्टर स्टेट के हिसाब से वो लोक है, ठीक है। वहां पे वो उसके आगे कुछ होता ही नहीं उत्पन्न होने के लिए, ऐसे कोई कॉन्शियसनेस कोई स्टेट डेवलप ही नहीं कर पाती है, क्योंकि वो एक अल्टीमेट स्टेट है, हर जिसका एक अंत होता है। दूसरा कि सिर्फ 31, भले सिर्फ 31 लोग होंगे, लेकिन एक चक्रवाल में 31 लोग, ऐसे कितने तो भी चक्रवाल है, ऐसे कितने भी चक्रवाल बनते हैं बिगड़ते हैं बनते जा रहे हैं, स्पेस इज इनफाइनाइट, इस कितने तो भी चक्रवाल है उनसे गिनती नहीं है। पर यहाँ के खुद कहते हैं ना कि भगवान की जो जब भगवान को जब प्रज्ञा उत्पन्न हुई, जब उनको चार सत्य का ज्ञान हुआ बोध हुआ, तो 10 सहस्र चक्रवाल ही हो जाए। पर ऐसा नहीं सिर्फ 10 सहस्र चक्रवाल है, कई सारे चक्रवाल, करोड़ों चक्रवाल है, अभी भी कई चक्रवाल बन रहे होंगे नष्ट हो रहे होंगे। तो चक्रवाल कई है, पर उन हर एक चक्रवाल में 31 लोक ही सीमा है, क्योंकि कॉन्शियसनेस इसके अलावा कोई स्टेट डेवलप ही नहीं कर पा रहा है। उसमें भी जो उनके जो चित्त की जो स्वरूप है, जो 9 सत्तावासा जो कहते हैं, नाना संघा नाना काया, एक संज्ञा नाना काया, नाना संज्ञा एक काया, ऐसे वो चित्त के स्टेट्स है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन, अगर ऐसा कोई समय मिला, अगर मैं अगर कोई लेता हूँ साइंस विद बुद्धिज्म, तो उसमें मैं ये समझाऊंगा। ओके प्रणाम बंदी जी। मंगल कौन? मैं नेपाल से बोल रही हूँ। अरे बड़े दिनों बाद आपसे, आप क्या सुनने में आई? मैं सुन रही हूँ। आप अटेंड हमेशा करते कि ये सब बीच में अटेंड कर रहे हैं? मैं इस समय जब होता है ना मैं करती हूँ, और सुबह भी करती हूँ। अच्छा। सुबह ध्यान में करती हूँ, समय मिलता है तो मैं कर ही लेती हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या है बंते जी, आपने जो 6 उपासक को ब्रीफिंग किया, उसमें ब्रह्म धर्म संग शील और देवता उपासक, वो मन दिल और विचार से संबंधित है ना, और जो अष्टांग उपासक उपासक की का वर्णन किया वो कर्म से रिलेटेड है, और वो ब्रह्म उपासक धर्म उपासक संग उपासक शील उपासक देवता उपासक, तो हमको मन दिल विचार से करना हमको बहुत इजी लगता है, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर जुन अष्टांग उपासक है वो शरीर से संबंधित है, वो शरीर हमारा जो जुन है ना, वो हम इस समाज में ही रहते हैं, और अगले हमारी वो मैं क्या बोलूं उनको, मैम बोलती हूँ, मैम ने भी किया, कभी कौन आता है, कभी शादी होते हैं उसको हम सुन लेते हैं, उससे डिसैच अटैच होते हैं, कैसे उसको डिटैच होए, वो थोड़ा सा अष्टांगिक उपासक को हम थोड़ा सा करने को, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अस। आई एम गेटिंग योर पॉइंट। द थिंग इज दैट ऐसा लग रहा है कि अष्टांग उपोषद ज्यादा कठिन है, पर मैं बता दूं ऊपर 5 उपोषद है वो ज्यादा कठिन है।
अगर आप करने जाएंगे ना तो ऊपर के पांच उपोषद ज्यादा कठिन है. But it is related to our heart. That उपोषद हमें चित्त एकाग्र करना पड़ता है उस विषय पे. उस विषय पे एकाग्र करते हुए हमारे उपकलेश शांत होते तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है. वो इतना आसान नहीं है. ये तो भी काया पे आपको दिख सकता है. आप प्रैक्टिस करके संयम कर सकते हैं. आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये हार्ड है पर करते समय ऊपर के पांच हार्ड है. इम्प्लीमेंटेशन में ऊपर के पांच हार्ड जाएंगे. ये छठवा तो भी आसान जाएगा क्योंकि इसको सिर्फ स्टार्टिंग में डिफिकल्टी जाएंगी. बट इट इज ये आप बाद में क्षमा मांग के क्षमा प्रार्थी करके इसका उपाय है. ये जो आपके जो आठ है ना इसकी आप क्षमा याचना करके फिर संकल्प करके आप इस शील को पालन कर सकते हैं. और वो शील जो किसी और के गलती से टूट रहा है उसमें उतना दोष नहीं लगता. दोष लगता ही नहीं पहली बार. थैंक यू. आप अगर अगर आपका ध्यान ना रहते हुए टूट रहा है तो दैट्स योर मिस्टेक कि आप प्रमाद में थे. बट हम साधना जो करते हैं ना सुबह शाम वो अनापान सति योग उनसे साधना से तो ये पांच उपसर्ग हमको करना थोड़ा सा क्या इजी लगता है. पर ये अष्टांग उपसर्ग जो होता है ना वो हम मन वचन से तो नहीं करते हैं फिर भी काया क्या होता है चले जाता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट पर ये प्रथम सीढ़ी है. ये शील विशुद्धि इसके ऊपर के जो जो मैंने पांच उपसर्ग बताया वो चित्त शुद्धि में आ जाते हैं. वो बात की वजह से जाता है. पहले ये आता है शील विशुद्धि में. यू हैव टू गो बाय दिस वे. फर्स्ट यू हैव टू टेक दिस ट्रेन देन यू हैव टू टेक अ फ्लाइट. देयर इज अ फ्लाइट. ऊपर के पांच जो उपसर्ग फ्लाइट है और ये ट्रेन है. तो इस फ्लाइट तक जाने के लिए ट्रेन जाना पड़ेगा. इस बस जाना पड़ेगा. थैंक यू वंदे जी. थैंक यू. थैंक यू रोहित. तुम्हारी एज क्या है रोहित? रोहित बाल खंडे. व्हाट्स योर एज रोहित? पैरेलल यूनिवर्स मल्टीवर्स के बारे में कुछ बता. हाँ वंदा में बनते. क्या एज है आपकी? 29. तो इसलिए आपने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में पूछा. नहीं ऐसे ही प्रश्न मन में आया. सी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो ऐसा मेरे पढ़ने में तो नहीं आया है. जिस अर्थ में आज का जो अपने जो मार्वल्स वगैरह जिस तरीके से दिखाते हैं. नहीं फिजिक्स में भी कंसेप्ट है ना ऐसे. हाँ, जी जी जी. हाँ. मैंने भी पढ़ा है वाला कंसेप्ट. आई एम आल्सो सो मच इंटू एस्ट्रोफिजिक्स. आई यूज्ड टू रीड द बुक्स ऑफ मिचियो ककु ब्रेन ग्रीन. अपने जो थे क्या नाम था. आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स. सो दैट्स व्हाई. स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स इन व्हाट? किस में कर रहा है फिजिक्स? नहीं बीएससी फिजिक्स हुए वाला है तो. अच्छा, थोड़े फार बताए. मेरा बिग फैन है. ऑनर्स कर रहा है फिजिक्स में. सो या मैं भी मुझे पसंद है. आई एम नॉट गुड इन थ्योरेटिकल फिजिक्स बट यस. सो जैसा कि बुद्धिज्म में ये जो है पैरेलल यूनिवर्स इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आज का मार्वल्स दिखाता है. क्योंकि मार्वल्स के हिसाब से मोस्ट ऑफ इमेजिनेशन आ गई है. पर पैरेलल यूनिवर्स इन द यूनिवर्स एग्जिस्टिंग एक साथ यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं पर खुद ही का एक अलग स्वरूप नहीं. ऐसे में नहीं है बुद्धिज्म में फिलहाल तो नहीं है. मेरे पढ़ने में नहीं है पर इन फ्यूचर कभी आएंगे तो मैं जरूर उस पर चर्चा करूंगा. और मैं कोशिश करूंगा कि जो ऐसे यूथ लोग हैं उनके लिए अलग से साइंस सीरीज ले हम. इंटरेस्ट आएंगे. थैंक यू. ट्राई टू टेक इट साइंस सीरीज. बेस्ट ऑफ लक फॉर फिजिक्स. यस थैंक यू. थैंक यू मंगलो स्वाति जी. बंदामी बंते जी. बंते जी मैं पूछ रही कि अगर आठ शील ग्रहण करे और फास्ट न करे तो चलेगा? नहीं चलता. जैसे कि थायराइड है, एनीमिया है तो भूख लगती ही है. थायराइड तो ऐसा कीजिए आप एक मात्रा तय कीजिए. क्या एक मात्रा? हाँ जिससे आपका पूरा पेट भरे. आपका पूरा पेट नहीं भरना चाहिए. उतनी मात्रा से ज्यादा नहीं खाएंगे. ठीक है अगर वैसा रखते हुए भी आप यह जानते खा रहे कि यह सिर्फ मैं अपनी रोग और पीड़ा के लिए खा रही हूँ है ना. हाँ. इतना जानते भी खा रहे तो कहीं ना कहीं आपका वो शील अर्ध रूप से पालन हो सकता. अगर चेतना पूरी प्योर रही तो पूरी तरीके से पालन हो रहा पर उस मात्रा को क्रॉस नहीं होना चाहिए और वो समय भी क्रॉस नहीं होना चाहिए. वो समय और उतनी मात्रा. अगर आप पेट भर के तीन रोटी खाते हैं तो इधर एक रोटी खाइए बस. थोड़ा चावल जितनी मात्रा है उसका एक तिहाई कर दीजिए या अपने हिसाब से पर पेट नहीं भरना चाहिए. अच्छा ठीक है. ये ठीक है.
पेट नहीं, अगर पेट भर रहा है आपको पूरी वो सुखद वेदना मिल रही है उससे, तो फिर नहीं, वो पूरी सुखद वेदना नहीं जागनी चाहिए। इतना ही कि आपको गोली खाना है या आपके जो रोग है उसी के लिए समर्थक हो उसके हिसाब से, ठीक है। जो आप डेली जो मात्रा है उसके मुकाबले एक तिहाई वगैरह आप देखिए। भूख ही एक रोग है, भूख ही भगवान ने कहा ना, भूख सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि ये रोग ऐसा है कि बुझा दी फिर उत्पन्न होते देर बाद। हाँ ना, वही तो हमको भी पूछे ना, हम भी पवला थाईलैंड में हूँ, यहाँ पे आके तो थाई फूड नहीं जम रहा, हर इधर शुगर मिलेगा आपको, ऊपर से खाने की अलग ही पास आती है, हमसे पूछिए। शुरुआत में ही तकलीफ गई हमें, अभी ठीक है, हम तो यहाँ पे अपना वो अभी तक हम सिर्फ वो उबला हुआ अंडा और राइस खा खा के दिन निकाल है। तो पर एक समय आता है कि आपको फिर वो खाना आपका आपके मतलब जीभ का रस नहीं रह जाता है, है ना, वो जीत के लिए आप नहीं, मतलब स्वाद के लिए आप नहीं खाते, फिर वो जब जिस दिन वो क्रॉस हो गया आपका वो बात कि अभी जीत के रस के लिए अभी वो पेट भरने के लिए हो रहा है, दैट एट दैट पॉइंट आप एक अलग बात पे चल रहे हैं, क्योंकि आहार संयम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। समझे सीमा जी? बंते जी, उपोषण के दिन सुबह उपोषण 6 बजे से लेने के बाद सिर्फ 12 बजे से पहले, मतलब 12 साढ़े 12 बजे से पहले कुछ भी, बिल्कुल 12 ना ना ना, सूरज ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो 12 बजे मतलब 12 बजे ही एक ही बार खाने, उससे पहले कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा नहीं, सा 6 बजे से 12 बजे के बीच कितने बार भी खा सकते हो, कितने बार भी कभी भी खा सकते हो, पर ऐसा नहीं कि जो दिखा पर आप खा लो रे बाबा अभी खादने खाने मिलेगा, नहीं, ये तो भाई आपने जाना ही नहीं, मतलब बुझने से आ ही नहीं रहा, वो तो गोपाल उपोषण हो जाएगा बस आपको। और ऐसा भी नहीं कि मैं आज उपोषण तो ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, ऐसा भाव होना चाहिए, वरना वो खाने का शील भंग हो जाएगा वहां पे। कैसा है कि एक मात्रा होनी चाहिए, एक सीमा होना चाहिए, एक समय होना चाहिए, है ना। आप कभी भी खा सकते, अगर समझ जाओ 6 बजे आप नाश्ता नहीं कर पाए, 7 बजे कर लिया कोई बात नहीं, 7 बजे छूट गया, 8 बजे कर लिया कोई बात नहीं, पर आप 6 बजे भी नाश्ता कर रहे हैं, फिर 7 बजे भी नाश्ता कर रहे हैं, फिर 8 बजे भी नाश्ता कर रहे हैं, ये तो गलत है। ऐसा नहीं, 6 बजे का छूट गया 7 बजे कर, 7 बजे का छूट गया 8 बजे कर, नाश्ता करते ही नहीं है, लेकिन अगर मतलब इतना सा 2 चम्मच आंवला जूस पी लिया या ड्राई फ्रूट्स 2 खा लिए, ऐसे ये जो हम डेली लाइफ में करते हैं, तो बस 12 बजे एक बार खाना खाते, उससे पहले नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चलता है। वो सही है, या क्या करना चाहिए? बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन 12 बजे के बाद आप शाम को दूध और नारियल पानी चलता है किसी देश में, पर दूध नहीं ले सकते, ठीक है। और प्लीज आप शाम को कॉफी और काली चाय बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि उससे किडनी पैसा गिरता है, ठीक है। बाकी जूस में कुछ भी चलता है, नहीं हम रात में भी कुछ नहीं खाते, लेकिन सुबह का ही प्रॉब्लम है, 12 बजे के पहले कुछ खाना है या नहीं, 12 बजे बस एक बार खाना खा लेते हैं। नहीं, ये गलत है, 12 बजे के पहले खा सकता है, कब किसी भी समय खा सकता है 12 बजे के पहले, जरूरी किसी एक ही बार खाओ। जी बंदे जी, यही डाउट था, थैंक यू, साधु साधु साधु। वंदामी बंते जी, आपने बहुत सारे प्रश्नों का बहुत क्लियर कर दिया। एक क्वेश्चन मेरे मन में यह है कि कई बुद्धिस्ट कैलेंडर में लिखा रहता है कि अष्टमी और चतुर्दशी, तो क्या अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा करना है या फिर अष्टमी और चतुर्दशी? देखिए, चतुर्दशी जो हम कहते हैं तो अमावस्या पूर्णिमा दोनों आ जाती है ना। नहीं, चतुर्दशी तो पूर्णिमा से एक दिन पहले और अमावस्या से एक दिन पहले की हुई, 14वें तारीख को चतुर्दशी, पूर्णिमा तो 15वें तारीख होती है। मुझे इतना ये उतना में पता नहीं है, तो भी देखिए देखिए जो अमावस्या तो सबसे पहले कैलेंडर में सारी मिस्टेक ये हो जाती है कि चालू अब हो रही, खत्म अब हो रही, इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जिस दिन अमावस्या जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन होना ही चाहिए, वो एक दिन पहले बार चतुर्दशी वगैरह उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, और जिस दिन अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा नहीं है, संडे का दिन है, उस दिन भी अष्टांग उपोषित करते हैं अगर, तो क्या वो उपोषित में आएगा? अष्टशील लेते हैं, बिल्कुल आता है उपोषित में। अच्छा, अष्टशील जैसे लिए और एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, वहां पे टीवी चल रहा है और अचानक से आंख से देख ली एक सेकंड के लिए और तुरंत आंख को नीचे की, तो क्या मेरा उपोषित भंग हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने पर्युत्थान में उसे रोक लिया, वितिकम्म नहीं बना तो कर्म नहीं बनती, ये पर्युत्थान अवस्था में आपने रोक लिया तो वो नहीं गिनती, तो अनुशय रूप में तो आप देख नहीं सकते,
उत्थानक अवस्था में आपको कंट्रोल करना पड़ता है चक्र, क्योंकि अनिरुद्ध के साथ, क्योंकि अनिरुद्ध को तो उससे भी देवता लोग मिलने के लिए आए थे, मस्त देवता अलग अलग रंग में उसके सामने प्रकट हो रहे थे, फिर गाना बजाना शुरू कर दिया, वादन करना शुरू किया, तो अनिरुद्ध ने अपने अपने आप को सवर कर लिया, बस सवर जरूरी उसमें कंटिन्यू विधि कम्मा नहीं बनना देना उस पर। अच्छा, अगर कभी संकल्प लिया अष्टशील का विकाल भोजन, अगर वो शाम में अगर भूख बहुत ज्यादा लग रहा है और अचानक से जो एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ और कभी जो है क्षमा मांग के अगर तोड़ लिया, तो इससे क्या पाप लगता है? नहीं, वो अर्धशील में गिनने में आएंगे, आपने पहले स्वीकार किया वो शील छोड़ दिया वहां पे, वो जो वो छोड़ना जरूरी है। अच्छा, छोड़िए उसको शील को, ऐसा अगर आप नहीं आएगा तो यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिए कि मैं अपने अष्टशील यहीं पे छोड़ता हूँ, है ना? फॉलो कंप्लीट पंचशील, दे विल ऑटोमेटिकली सर्च फॉर द ट्रूथ। नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर पंचशील पालन कर रहा है, पंचशील शील हो गया, समाधि प्रज्ञा नहीं आई है, आप ये मत समझिए कि आप सिर्फ शील पालन कर रहे हैं तो आपको निर्वाण मिलना ही मिलना है। शील ने सुगति अंति, शील सिर्फ आपके सुगति के लिए जिम्मेदार है, आपकी प्रज्ञा के लिए, आपके समाधि के लिए जिम्मेदार नहीं है। शीलों से आपको ब्रह्म का ही देव योनि में उत्पन्न नहीं होते, शील सिर्फ सुगति, सिर्फ पुण्य अर्जन, इतना ही है। शील तो भाई मुसलमान लोग भी अपनाते हैं, शील तो हिंदू लोग भी अपनाते हैं, शील हर धर्म में, मोस्ट ऑफ धर्म में है। प्रभु निर्वाण मिल रहा है क्या, वो सत्य को देख पा रहे हैं क्या? शील दृष्टि में नहीं आता है, निर्वाण के लिए दृष्टि चाहिए, और दृष्टि ये प्रज्ञा का क्षेत्र है, ठीक है? तो दृष्टि उजू करनी पड़ती है, उसके लिए वैसा प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर निर्वाण प्राप्त होता है। शील तो हर धर्मों में हो जाते हैं, शील सिर्फ एक बेसिक तरह काम कर रहा है, आपको भूमि प्रोवाइड कर रहा है। विदाउट शील कैन विजडम डेवलप? नो, विश देखिए, ये शील एक सबसे पहला स्टेप है, पर आप पहले स्टेप पे रुक नहीं सकते ना, और विजडम एक समझ एक सीढ़िया है, तो सबसे उसका ऊपर का माला है, तो ये सब फ्लोर्स हो गया को जाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर पर जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको ये सारे फ्लोर्स होकर गुजरना है, पर आपको शील तक नहीं रोकना है। सीढ़िया के समाधि भी है, प्रज्ञा भी है, डायरेक्टली प्रज्ञा तक नहीं पहुँच सकते, ओके? That's why I'm dealing without cannot happen. मैं वो समझा नहीं आपका, वो without cannot happen क्या बोल रहे हैं? That's why I'm dealing with shield. Shield is the basic, पर आपको shield पे अटकना नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना। shield के बाद भी दान आता है, दान के बाद shield आता है, फिर shield के बाद समाधि आता है। नैतिकता ही एक पढ़ला नहीं होता बुद्धिज्म। चंदन शाहू, बंदे जी क्या एक खाने से प्राणी हिंसा होती है? नहीं है, क्योंकि एक जो है वो फर्टिलाइज होता है, आप तक जो एक आता है वो फर्टिलाइज होता ही नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आता है नॉन वेज में, वैसा नॉन फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है? और दूसरी बात कि भगवान ने भी कहा है कि देखो, जैसे भगवान ने पूछा था जीवक ने कि भगवान आप तो सब जानते हैं, अतीत का वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, फिर भी आप मांस मच्छी खाते हैं। भगवान ने साफ साफ कहा है कि मुझे पता है कि वो मांस मेरे लिए काट के लाया, तो मैं नहीं खाऊंगा, है ना ये मेरे कहने पे गया, तो हम ऐसा दुक्कड़ का दोष है वो। पर अगर समझ जाओ कोई मेरे मतलब तेरे लिए बना रहा है मांस मच्छी, ठीक है, और वो दुकान में जा रहा है और ऑलरेडी कटा हुआ मांस रखा है, वो कटा हुआ मांस वो खरीद रहा है, वो पर्टिकुलरली मेरे लिए नहीं काट रहा है मांस, वो जो दुकानदार है, समझ जाइए, अगर आप दुकान में मांस मच्छी लेने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर जो ऑलरेडी कटा हुआ मांस है उसमें से मांग रहे हैं, उसमें से दो मुझे, तो फिर वो उसमें वो उसका दोषी नहीं बनता है, पर वो उसके अलग से मुर्गी कट रही है तो फिर वो हद तक उस पर दोषी हो जाता है। तो इस तरह अगर आप कभी नॉनवेज लेने जाएंगे तो जो कटा हुआ मांस वहां पर रखा हुआ है उसमें से लो, कि भाई वो जो कटा हुआ है तो दे बोलना, नहीं तो मत लो, वापस आ जाओ, ठीक है, तो उससे दोष नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी कट चुका है वो आप ले रहे हैं। उस तरह एक भी होता नॉन फर्टिलाइज होता है, इसलिए
नॉलेज में नहीं आता। गहगे पहले से पहने हैं तो निकालना, ऑफ कोर्स गहने पहले से है तो निकालना तो पड़ेगा ही बाबा, क्योंकि गहने हैं शरीर पे तो थोड़ा सा श्रृंगार के भाव बना रहता है इन व्यक्ति का, उसको संवारना पड़ता है कि समझ जाओ आप गया तो इधर हो गया, आप संवारेंगे उसको करेंगे, यस उतारो घेने। चंदन साहू जी वेलकम। ठीक है भंती जी, अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे और फिर पुण्यानुमोदन याचना करूंगा, फिर आप पुण्यानुमोदन लीजिए। हाँ, इससे याद आया कि जिनका जो जो इस बार शील की जो याचना करने वाले अपना द ट्रिपल जेम स्कूल में, तो वो जो भी शील की याचना करने वाले हैं वो एक प्लेट में थोड़ी सी फूल रखेंगे, कोई भी फूल चलेंगे ठीक है, और वो पकड़ के याचना बोलेंगे मैं जो बोलूंगा, जैसे कि है ना, तो मैं बताऊंगा उनको, वो बोलना है उनको, तीन बहुत छोटी गाथा है वो, सरल सरल शब्द है, तो अपने पास फूल रखिएगा थोड़े बहुत, जैसे दो कोई भी फूल चलेगा, एक दो तीन फूल ठीक है। ओके दीक्षा निकम जी, निकम निकम आपका सरनेम निकम है, हाँ पूछिए निकम जी। निकम जी शैलेश जी शायद माइक माइक का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो टाइप कर दीजिए बोलिए उनको। निकम निकम जी आप हाँ टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, आपने हैंड रेस किया है। उपो जी को भी अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं, बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर याद रखिएगा बुद्ध धम्म संघ का गौरव बना रहे, बस इस बात को ध्यान में रखते हुए शब्दों की सीमा याद रखिएगा, बाकी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं व्यूज, और ये याद रखिएगा कि आप भक्त के सामने बोलेंगे, है ना। ठीक है, अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे सभी श्रद्धा। उपो जी को व्यूज पकड़ कर रहे थे, उपो जी तुम व्यूज पकड़ कर रहे हो कि हम आगे बढ़े। उपोषित के दिन मूर्ति के सामने भूल ग्रहण करते वक्त याचना करना भी, सॉरी शील, अच्छा दीक्षा जी ने टाइप किया है, उपोषित के दिन मूर्ति के सामने शील ग्रहण करते वक्त याचना करना भी जरूरी है क्या? देखिए उपोषित के अगर मूर्ति के सामने आप स्वयं होकर शील ग्रहण कर रहे हैं तो आप उनका अहंग बनते तो नहीं बोल सकते, चलो ठीक है बुद्ध को साक्षी मांग के आप स्वयं को करें तो ठीक है, पर याचना जरूरी है, क्षमा याचना तो जरूरी जरूरी है। बनते विद ड्यू रिस्पेक्ट विदाउट शील वी कैन नॉट डेवलप विजडम, बट इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड विजडम। अगर शब्दों में अगर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव करना है तो हम जरूर डिस्कशन करेंगे, पर्सनली आप मुझे कॉल कीजिए, है ना, what is intelligence, what is wisdom, we can discuss, hai na, I think the intelligence is a more proper word for pragya, we will discuss, for wisdom you have to have fellowship, okay, it's good, aage bol, theek hai, sabhi shraddhapurvak haath jode, abhi hum त्रिरत्न से क्षमा याचना करेंगे बुद्ध धम्म संघ को। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खममि भन्ते भूरि पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खममि धम्म संदिठीक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खममि संघ पुय्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना।
ओकासु वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं साधु 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 अनुमोदामि ओकासद्वारत एन कतं सब्बं अच्चयं खमतमे बन्ते ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते खमतु खमतु खमामि खमतब्बं करें अनुमोदन। हाँ यथावारी वहा पुरा परिपूरेन्ति सागरं एवमेव दिन्नं पेतानं उपकंपति चितं पचितं तुम्मं क्षिप्पमेव स्मृतु सभे पुरेन्द्र चित्त संकल्प चंदोपन्न रसो यथा मणि ज्योति रसो यथा सभा जुड़ के बैठेंगे। अभिवादन शील नित्यं विद्यापचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्वन्नो सुखं भवति। साधु साधु साधु। आज मैंने जो भी पुण्य अर्जन किया धम्म देशना देके एवं हम सभी ने जो पुण्य अर्जन किया धम्म श्रवण करके शील ग्रहण करके दान करके यह पुण्य हम इस विश्व के सभी सत्वों को मैं अर्पित करते हैं। यमाधिपति उनको भी हमारा पुण्य अर्पण करते हैं। इसी के अलावा जो भी हमारे कल्याण मित्र हमारे उपाध्याय हमारे गुरु उन सभी के साथ हमारी मैत्री बांटते हैं उनको भी अपना पुण्य अर्जन करते हैं। और इसी के अलावा आज जिनका जन्मदिन था कमाल किशोर किशोर कमाल किशोर जी इनको भी इस पुण्य के प्रताप से यह भी बुद्ध शासन में वृद्धि करे। और उसी के साथ कल जिनका जन्मदिन रहने वाला है रश्मि जी इनका भी इनको भी इस पुण्य के प्रताप से निर्वाण प्राप्त हो और इन दोनों को इसी प्रकार एक अच्छा हमेशा कल्याण मित्र एक कल्याण परिवार प्राप्त होते रहे। साधु 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 वंदामि भन्ते जी।